بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الهي امين الحمد لله البر الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير له الحمد كله بيده الخير كله واليه يرجي الامر كله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

जो गुनाहों को माफ करने वाला तोबा कबूल करने वाला सख्त सजा देने वाला फजल करम करने वाला और उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं उसकी तरफ ही लौट कर जाना है हर किस्म की हमद उसी के लिए है हर किस्म की खैर उसी के हाथ में है और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं हर किस्म की हमद इस उसकी उसी के लिए है जो उस जिसके चेहरे की अजमत या जो इस लायक है कि उसकी तरफ ही सारी अजमत की जाए और उसी की बादशाही के लायक है कि उसी के लिए तमाम किस्म की हमद की जाए यहां तक कि वो राजी हो जाए और उसी के लिए हमद है जब वो राजी हो जाए और उसी के लिए राजी हो जाने के बाद भी उसी के लिए हमद है बलामदर रजा वलहमद अला कुल्लिक कुल्ली हाल और हर हाल में उसी की हमद और तारीफ उसी की करनी चाहिए तारीफ के लायक बस वही है अल्हम्दुलिल्लाह रमजान और फिर आखिरी अशरा माशाल्लाह रमज़ान सारा ही इबादत का महीना है लेकिन खसूसी तौर पर रमज़ान के जो आखिरी अशरे की इबादत है उसको बहुत ख़ास समझा जाता है आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इस अशरे की इबादत का कितना अजर और कितना सवाब है रमज़ान के आखिरी दस दिनों में अपने रिश्तेदारों अहलोयाल दोस्तों को इबादत के लिए खसूस मोटिवेट करें तरगीब दिलाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि ये उनका अमल था हज़रत आयशा रदी तरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते रातों को जागते और अपने अहल खाना को भी जगाते एक और रवायत में आयशा ही रदिया अनहो बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की नस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते आप वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह हजरत अली रदिया तला का दरवाजा भी कटकटाते और फरमाते कि क्या तुम दोनों नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठोगे तो इससे इस क्या पता चलता है कि आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में कुरान में मुमकिन हो अगर तो जॉब से छुट्टी ले सकें तो ये बेहतरीन छुट्टी है इबादत के लिए यकसू हो जाए तरावी तहज्द वगैरह में हती के हतलवसा ऐसी लंबी इबादत ऐसी लंबी टिक के करने वाली इबादत जैसे तकाफ है फिर कसरत से तलावत जिक्र, कुरान का सुनना फिर रात को खुद भी जागें और घर वालों को भी जगाएं इसमें एक और बात करती जाऊं कि सोना भी मसनून है कि थोड़ा सा सो जाए ताकि इंसान जो है वो थोड़ा रेस्ट भी कर ले इस माह में खास तौर पे आपको पता है अपने आप को बार बार इस पे गामजन रखना है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें तकवा नसीब हो जाए हमें इखलास नसीब हो जाए हमें हदायत नसीब हो जाए हम अल्लाह ताला की मखलूक के साथ हम दर्दी करें चाहे वो इंसान हैं चाहे वो जानवर हैं फिर अपना तस्किया नफ्स अपने आप को रोकना हर उस गलत काम से अपने आप को रोकना और फिर आ, सबसे ज्यादा सबर हर बात पे सबर तो रमजान हमारे लिए तकर के लिए आया है तकर का क्या मतलब है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने क्या हसूल है अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है इससे और अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव चेंज और फिर बुरी आदतों को छोड़ना अच्छी आदतों को बदलना और फिर रूहानी जिस्मानी, जहनी कल भी दिल से भी आज इंशाल्लाह दिल की भी बात होगी जहन की भी बात होगी और अपने इन सब चीज़ों को सेहत और सबसे ज़्यादा रूहानी सेहत के रू आपकी पाक हो रही है और क़ुरान रू पाख करता है ये कोई और कर नहीं सकता ये अल्लाह ताला की कुदरत है तो कुरान जो है वह इंसान को जोड़ता है अपने, अपने अपने आप से अप, अपनी ज़ात से निकाल के एक तो अपनी थिंकिंग बदलता है और बहुत कुछ फिर इस साथ साथ ये कि अल्लाह का शुक्र हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र हर बात में अल्लाह ताला का शुक्र और ये शुक्र कब होता है जब इंसान को नेमतें नज़र आती हैं अल्लाह ताला की नेमतें जब नज़र आएंगी तो शुक्र होगा तो इंशाल्लाह ताला आज पारा ट्वेंटी थ्री से हम सबसे पहले शुरू करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे पारा ट्वेंटी फोर तक और सूरत साध सबसे पहले आइए सबसे पहले सूरत साध की तलावत सुनते हैं बसमान بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है मक्की सूरत है, और उन पैगंबरों का अब जिक्र आएगा जो सूरत साफात में नहीं आया था जो रह गए थे पीछे अब उनका उनका जिक्र आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सौद और कसम इस कुरान की जो सरासर नसीहत है बल्कि ये काफिर तो तकबर और मुखालफत में पड़े हुए हैं इनसे कबल इनसे पहले हम कई कौमें हलाक कर चुके हैं अजाब के वक्त वो पुकारने लगे हालांकि वो रिहाई का वक्त ना था अजाब आया तो पुकारने लगे काफिर क्या करते हैं अजीब हैं, मुताज हैं कि इन्हें ताजुब है उनको इन्हीं में से एक डराने वाला इनके पास आया है और काफिर कहने लगे कि ये तो साहिर है और बड़ा झूठा यानी कि जादूगर है इसने तो सब खुदाओं को एक ही इला बना डाला है ये कैसी अजीब बात है एक्चुअली हुआ क्या था एक मरतबा अबू तालिब बीमार हुए जो चचा थे कुरैश के कुरैश के जो सरदार भी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए आपको आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यानि कि आके के उनसे डिमांड पूछते हैं अबू तालिब आप आपल्म से कहने लगे भतीजे तुम्हें अपनी कौम से क्या चाहिए तो आप सल्ला फरमाया सिर्फ एक कलमा अगर वो इसे कबूल कर लें तो अरब के हाकिम बन जाएं अजम से जजिया वसूल करें अबू तालिब ने कहा कि सिर्फ एक कलमा आपने फरमाया हाँ सिर्फ एक कलमा फिर फरमाया चा जान आप लोग आप लोग ये तस्लीम कर लें कि अल्लाह किसी वा कोई इबादत के लायक नहीं कहने लगे क्या हम सिर्फ एक ही इलाक की इबादत करें यह तो बड़ी अजीब बात है इस पर यह आयत उतरी वह अजीब और बड़ी अजीब ताजुब की बात है आ के आ गया उनके पास एक ड्राने वाला ये तो महज मेहन मन घड़त बात है ये तो सब जोक लगता है खुद से बनाई हुई बातें तो यहाँ यह आयात उतरी कि इनके सरदार चल खड़े हुए कहते हैं चलो और अपने खुदाओं की इबादत पर डटे रहो और ये बात और ही इरादे से कही जा रही थी यानी ये ये सो, किसी और ही सोचा सम्झा, सोचा समझा कोई और ही मंसूबा था जो ये बात कर रहे थे जो, जो हमने ज़माने करीब के दीन, दीन में कभी नहीं सुनी यानी कि ये सोचते थे कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ना कोई लालच है किसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ छोड़ दें और ये इस, इस सारे को आ, ये दीन पे आ जाएं इनको कोई अपना लालच है बात यह है कि जो दाइय हक होता है वो अपने लालच के लिए नहीं आता वो लोगों को बताने के लिए आता है कि लोग किसी तरह सुधर जाए फरमाते हैं ये तो मन घड़त बात है क्या हम हम में से यही शख्स रह गया था जिस पर जिक्र नाजिल होना था यही रह गया था एक यानी कि और दुनिया के पास इतनी दौलत सब कुछ है तो मक्का में ताइफ के सरमा सरदार यानी मर गए थे नहीं बल्कि ये लोग मेरे जिक्र से शक में हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरा अजाब नहीं चखा इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी दिन का काम करता है कोई भी आप सोच लें किसी पर्सनैलिटी की बात कर लें वो समझते हैं कि यही था रह गया था जिसने ये काम करने के लिए और कोई नहीं रहा यही उठ के ये काम करना शुरू कर दिया आया नंबर नाइन में अल्लाह तला फरमाती क्योंकि उनको शक होता है ना हर चीज का कि क्या तेरे रब पर जबरदस्त जब, जबर क्या तेरे रब और क्या तेरे तेरे रब जो जबरदस्त है है देने वाला है, उसकी रहमत के खजाने इसके कब्जे में है क्या ये आसमानों और जमीन और इसके दरमियान की चीजों के मालिक है अच्छा तो तो ये आलम इस्बाब की बुलंदियों पर चढ़ के देख लें चाहे ऊपर चढ़े ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इस, इसी जगह शिकस्त खा जाने वाला है इनसे पहले नू अल इस्लाम कौमे कौम नू आद और मीखुम और फिरौन वाले और समूद और कौमूद और एका वाले जुटला चुकी है। इन से हर एक तो वाकई बड़े बड़े लश्करों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया इन लोगों इन सब ने रसूलों को जुटलाया और इन पर मेरा अजाब वाजिब पक्का हो गया ये लोग बस एक धमाके के मुंतजिर हैं जिसमें कोई वकफा ना होगा यानी कोई बीच में रुकावट नहीं हो गई मुसलसल होगा और फिर कहते हैं हमारे रब हमारी हमें हमारी आ, यहां पर आया नंबर ये सोलह में कहते हैं कि हमारे रब योम हिसाब से पहले ही हमारा हिसाब हमारा हिस्सा हमें जल्दी ही दे दें यानी अजाब आ जाए यह इंतहाई नादानी की बात थी जो ये किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पे तसल्ली दी जा रही है अगली आयत में आई एन सेवनटीन में फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए सब्र कीजिए इनकी बातों पर हमारे बंदे दाऊद इस्लाम को भी याद कीजिए बिला बिलाशुआ सा, वो साहिब कुत और रजू करने वाले थे इन्ना अवा बहुत प्यारी एक इसमें बात बताई जा रही है कि सबर की जब भी किसी को तलकिन करें अल्लाह तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर करके रहने के बाद एक स्टोरी सुनाने लगे एग्जाम्पल देते हैं हमेशा जिसको भी सताया जाता है तंग किया जाता है ध्यान बटाने के लिए फिर उसको एक स्टोरी से या एक तसली दी जाती है कि अच्छा 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 ये देखो ये एग्जाम्पल भी है सुनिए क्या अब स्टोरी आ रही है आगे क्या बात बताने के लिए कहा जा रहा है तसली देख कहा हमने इसके साथ पहाड़ों को मुसखर कर कर रखा था कि क्या क्या उस उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी अपने रंज और गम को दूर करके उनका वो वो जो है ध्यान वो बता रहे हैं अल्लाह ताला हमने इसके साथ पहाड़ों को मुसखर कर दिया था वो सुबह और शाम उसके साथ मिलकर तस्बी किया करते थे यानी कि अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या आ, पर, परिंदे पहाड़ सब उनके ताबे किए हुए थे और परिंदे जो जमा हो जाते हैं सब उन, उनकी तस्बीक उनकी तस्बी कर, कराते थे हमने इनकी सल्तनत मजबूत की और 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 कुवत और, कुवते फैसला अता फरमाई भला आपके पास मुकदमे की खबर पहुंची अब यहाँ पे एक वाक्य आता है कि जब आप किसी को कोई बात बताने लगते हैं तो आ, कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझा रहे होते हैं और आपको कहीं से कोई किताब आपको मिल जाती है या किसी का वाकया मिल जाता है या कोई चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप कहते हैं ओहो, ये तो मेरी मुझे मुझे बताने के लिए अल्लाह ने ये मेरे साथ वाकया किया मेरे साथ ऐसे अक्सर होता है कि मुझे किसी डिसीजन मेक करने में तो ये अल्लाह कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई वाकया किसी और कोई और मुझसे सवाल पूछ लेता है कि ये सवाल तुम्हें आता है तो ये दाऊद इस्लाम के साथ ऐसा पेश आया अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये हालांकि ये मजबूत थे अवाब थे सब कहा जा रहा है इतनी सल्तनत थी फिर इनके साथ क्या पेश आया भला आपके पास मुकदमे की खबर पहुंची जो दीवार फलांग के आगे, जो चढ़कर उस बाला खाने में उनके घर में घुस आए कहते हैं कि ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से आए थे ये दोनों फरिश्ते थे जो कि इंसानी शक्ल में आए थे और अल्लाह ताला ने इन्हें दाऊद अलाम के पास एक वार्निंग दे के भेजा था और ये टेस्ट होता है याद रहे कि पैगम्बर भी टेस्ट किए गए उनके भी इम्तिहान हुए तो क्या हमारे इम्तिहान नहीं होंगे हमारे भी होंगे हमें तैयार रहना चाहिए फिर जब दाऊद अल इस्लाम के पास पहुंचे तो वो इन्हें देख कर घबरा गए उन्होंने कहा डरो डरिए नहीं हम तो दो फरीक मुकद, फर, फरीक मुकदमा है यानी कि हम हमारे आपस में मुकदमा है जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर करवा दीजिए बेइंसाफी ना कीजिए हमें सीधा रास्ता दिखा दे राह रास्त बता दें ये मेरा भाई है मुकदमा शुरू हो जाता है ये मेरा भाई है इसके पास नाइनटी नाइन ननानवे दुमिया है और मेरे पास सिर्फ एक ही दुमबी है इसने मुझसे कहा है कि ये एक दुमबी भी मेरे हवाले कर दो और इसने गुफ्तु में मुझे दबा दिया गुफ्तगु का भी बड़ा तेज है दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इस शख्स ने अपनी दुमियों के साथ तेरी भी दुमबी मिला लेने के एक मुतालबा कर लिया ये भी तुमसे डिमांड कर लिया यकीनन तुझ पर बड़ा जुलम हुआ और वाक यह है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां कर जाते हैं बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं अमल साले करते हैं और ऐसे लोग बहुत कम ही हैं। ये बात कहते 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 दाऊद अल इस्लाम समझ गए कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है चुनाचे उसने अपने रब से फौरन माफी मांगी और सजदे में गिर गए रजू किया क्योंकि फैसला गलत कर दिया था दोनों की बात नहीं सुनी थी तब हमने उनका वो कसूर माफ किया क्योंकि वो फौरन सजदे में गिर गए ये सजदा आता है यहाँ पे ना तो वो फौरन सजदे में गिरे और दाऊद अल को अपनी गलती का एहसास हो गया रुजू कर लिया गलती माफ अल्लाह ने फौरन गलती माफ कर दी हमारे यहाँ यकीनी उनके बहुस नमा हमारे यहाँ यकीन उनके लिए बड़ा कुर्बर उमदा मकाम है किसके लिए वो लोग जो माफी मांगे झुक जाएं अपनी गलती गलती पांग ने बंदे भेजे ये दोनों हकीकत में जो क्या थे ये अल्लाह ही जानता है यानी क्यामत के दिन अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को मुकर्रब बंदों में इसके बदले ये जो उन्होंने सजदा किया माफी मांगी इस आजमाइश से गुजर कर इसके बदले वो मुकर्रब बंदों में दाखिल भी करेगा और अल्लाह ताला ने उनकी उनको माफ़ भी कर दिया ये कितनी प्यारी बात है तकबर नहीं गलती मान लेना अपनी कबूल करने कर लेना और हदायत एक किस्म की हदायत कुदा कुरान से किताब से हदायत लेना और एक किस्म की हदायत होती है जो हदीस से हदायत लेना होता है हदीस से रहनुमाई लेता है एक अल्लाह तला मुख्तलिफ हालात और वाकयात की शक्ल में अल्लाह हमारे सामने ले आता है हर वाकया हमारे लिए एक हदायत होता है ये हदायतुल हदायतुलबियानी कहा जाता है इसको क्या कहते हैं हदायतुल हदायतुलबियानी जैसे हदायतुल कुरानी है एक कुरान की हदायत है एक है हदायतुल बयानी यानी कि आपके सामने कोई, कोई वाकया पेश आ गया कोई ऐसा सीन आ गया आपसे किसी ने सवाल कर लिया और वो आपका पूरा हो गया सुबहान अल्लाह इसमें एक बहुत प्यारी आती है। हज, आ, आ, क्या दरख्त कौन क्या पड़ रहा है सूरत स्वाद इसका मतलब है कि ये पड़ते हैं, हैं जो चीजें हैं जो जिंदा है बस जब वो आयत सजदे पर आया तो उसने सजदा किया किसने दरख्त ने और अपने सजदे में कहा अल्लाह मख्फिल्ली बिहा अल्लाउता बिहा और ये सब पे पढ़ा कि अल्लाह उसके जरिए मुझे माफ बख्श दे ए अल्लाह उसके सबब मुझसे मेरा बोझ उतार दे ए मेरे लिए इसके जरिए शुक्र शुक्र नेमत पैदा करके मैं नेमतों का शुक्र करूं इसे मुझसे कबूल फरमा ले जैसा कि तूने अपने बंदे दाऊद से इसका सजदा कबूल कराया था यानी कि ये दुआ मांगी कि अल्लाह इससे मेरा मुझे मेरा कबूल करा ले जैसे तूने इस दाऊद इस्लाम का सजदा किया था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवे सुबह सवेरे गए और बताया कि ये मैंने ख्वाब देखा उन्होंने आगे से जवाब दिया अबू सईद तुमने तुमने क्या किया तुमने सजदा किया मैंने अर्ज़ किया नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरख्त की नस्बत सजदा करने के ज्यादा मुस्तक थे फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत साध की तलावत की और फिर पस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत सजदे पे आए तो ये सजदा किया तो सजदे में आपने वही कहा जो दरख्त ने अपने सजदे में कहा था इतनी प्यारी ये सूरत है तो माशाल्लाह अल्लाह बिल्ला आप भी आज सोच लें कि अल्लाह ताला तुमने दाऊद अल्लाम को माफ कर दिया था और गलती जब उन्होंने माफी मांगी अपनी तो हमें भी अल्लाह तला माफ फरमाए हमने इससे कहा दाऊद हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है लिहाजा लोगों के दरमियान हक के साथ हकुमत कर। अब इसके बाद देखें दाउद्रक्शन दे के साथ हमें बताई जा रही हैं और ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है नंबर वन हक के साथ हकूमत कर हमारी कहाँ कहाँ हकूमत है अपनी अपनी हकूमतों को देख लें आपको मैं हिंट्स दूंगी और आप खुद ही अब सोचते जाएंगे फिर ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर किसी फैसला करने में चाहे औलाद का फैसला है चाहे किसी के मामलात का फैसला है कोई भी क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिसीजन मेक कर रहे होते हैं वो फैसला अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना कर के वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगा ख्वाहिश की नफ्स की पैरवी ना करो तुझे अल्लाह की राह से भटक जाओगे ये इतनी बड़ी बात है इसको अंडरलाइन कर लें ए, क्या कौन सी वाली आयत है आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स में इस वक्त पढ़ रही हूँ सूरत स्वाद की

अपने हिसाब का दिन ही भूल गए हमने आसमान और जमीन को और इस दुनिया की जो इनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया है और ऐसे काफरों की बर्बादी के लिए जहन्नुम की आग है क्या हम इन लोगों को इस जो ईमान लाए नेक अमल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसा कर दें बराबर कर दें क्या मुत्तियों को और फाजरों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन सी अकल मारी गई ये तुम्हारी कैसे बराबर कर दें अम ये जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है बड़ी बाबरकत है ताकि लोग गौर करें और तज कर इसमें से सबक हासिल करें इसको समझे आया नंबर ट्वेंटी नाइन के इस जो इस किताब से सबक लेते हैं अक्लमंद वो ही है अकल वाले बहुत इंटेलिजेंट है बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की कोई अकाउंट्स में कोई सही है कोई इंजीनियरिंग में कोई किसी फील्ड में लेकिन उनकी अकलें चाहे जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले दोबारा उन पे चली जाए किसी और प्लेनेट पे चली जाए मार्स से होके आ जाए अकल वाला अल्लाह ताला ने उसी को कहा है कि जो कुरान से सबक ले और अपने अमल में ले आए और दाऊद अस््लाम को हमने सलेमान किए वो बहुत अच्छे बंदे और बकसरत रुजू करने वाले थे फिर पिछले पहर इनके सामने अब दूसरी एग्ज़ाम्पल आ गई एक एग्ज़ाम्पल पहले दाऊद की अब उन्हीं के समान उन्हीं के बेटे की कि पिछले पहर उनके सामने उम्दा नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े पेश किए गए और वो उन्होंने कहा तो कहा उन्होंने मैंने इस माल को अपने रब की याद के मुकब, मुकाबले में पसंद किया है क्या माल किसके लिए पसंद किया है जिक्री कि मैंने अपने रब के जिक्र करने के लिए मुझे इस माल कि मैं इसलिए नहीं इबादत करता और जो इबाद जो माल है वो डिस्ट्रैक्ट भी ना करे आपको अपनी अप अपनी इबादत से हत्या के वो रसाला सामने में सामने से उजल हो गए वो सामने से यहाँ तक के उजल हो गए गए दौड़ दौड़ पे दौर पे लग नंबर थर्टी टू आपने कहा कि इनसे इनके इनको मेरे पास वापस ले आओ हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास वापस लाओ फिर लगाओ लगे उनके पंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने प्यार करने लगे तो घोड़ों को पेट्स को जो घर में रखते हैं खाली उनको छोड़ना दिया करें उनसे मोहब्बत भी करें प्यार भी करें उनसे बहुत कुछ बंदा सीखता है जो पेट्स एनिमल्स अपने पास रखे होते हैं और अगर बच्चों को जैसे आप जू वगैरह लेके जाते हैं खुद भी जाएं जाके देखें कभी उनकी हरकतों से अल्लाह ताला बड़ा याद आता है मैं खुद एक दफा जू लेके बच्चों को लेके गई थी आप क्या किस तरह से भाई एक बंदर था जो सजदा से सजदा करता चला जाता मेरे मैं हैरान हो गई मेरे मियाँ ने मेरा उस मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आप आई हो तो वो आपको आप पे डाल रहा है तो मैंने कहा ये तो अल्लाह की अल्लाह ताला की कुदरत थी वो उस वक्त उसको याद आ गया या अल्लाह ने मेरे लिए कोई उसमें जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि एक ये अल्लाह ताला की तरफ से कई दफ़ा बंदे को खुद भी ये कोई चीज दिखाई जाती है चाहे वो हकीकतन है या वैसे तो कि वो आपके लिए इबरत होती है तो ये अल्लाह का अपना देन है कहा फरमाया पर हाँ जी आ, कहा काला दुआ मांगते हैं यहाँ से इनकी दुआ शुरू होती है कि मेरे रब मुझे माफ फरमा मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बात किसी के लायक ना हो ने सुलेमान को आजमाइश में डाला हाँ जी यहां से अब यहाँ सलेमान को भी आजमाइश में डाला गया कि इनकी कुर्सी पर एक जसद डाल दिया डाल जा, दिया फिर उन्होंने रजू किया यहाँ पे कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई जिन था ये भी रवायात में आता है जो जिन था जिन्होंने जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो शक्ल धार ली थी और वो इन पर जुल्म करने लगा और वो आके इनके जगह पर बैठ गया जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त किसी मुहिम पर गए हुए थे वा, वो वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि यहाँ पे आता है सुमान अना फिर उन्होंने रजू किया वापिस आ गए पलट आए कौन उन्होंने कहा रब मेरे रब मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी दे जो मेरे बात किसी के लायक ना हो बिला तो बड़ा अता करने वाला है चुनाचे हमने हुआ हवा को इसके ताबे कर दिया और जहां आपको पहुंचाना होता वो आपके हुक्म से नरमी से चलती हवा हवा को ताबे किया हुआ था अल्लाह तला ने तो ये भी पता चलता है कि हवा जो है वो अल्लाह के हुक्म से कहीं पे भी जाती है शैतान शैता, और शैतान भी मुसर कर दिए जो सब मामार और गोताजन थे और कुछ दूसरे जंजीरों में जकड़े हुए थे यहाँ पर अताहत और सरकशी के बारे में बताया जा रहा है कि जो जो सरकश भी हैं वो भी अल्लाह ताला ने शयातीन जिन भी इनके इन किताबे थे ये हमारी बख्शिश है अब किसी पर एहसान करो करो या अपने पास रखो कोई हिसाब नहीं आपको पता है कि नबी सल्लाम ने फरमाया हर एक का एक शैतान उसका उसका करीन है उसका साथी है तो उनसे पूछा गया क्या आपका भी तो फरमाया कि हाँ मेरा भी है लेकिन वो शैतान मुसलमान हो गया तो हमारे मुसलमान नहीं हुए हमारे हम बुरे हाल हैं उनके वो हमें हमें बहुत ज्यादा तंग करते हैं अल्लाह अकबर में बचा के रखे वह इन दना और बेशक बिलाशुबा इन्हें वहाँ हमें वहाँ कुर्ब और उमदा मकाम उनके लिए उमदा और कुर्ब वाला मकाम है और हमारे बंदे अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और अजाब में डाल रखा है अब्वा क्या इनका आ गया अयुब अल्लाम का क्या उन्होंने कहा था इन मसन्नी दुरुआव राहमीन ये दुआ मांगी थी आपको मालूम है कहा कि हमने कहा अपने पांव मारो और ये है ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए और हमने इन्हें इनके अहलोल अता किए और अपनी मेहरबानी से इनके साथ इतने और दिए ये और ये अहले अकल के लिए नसीहत है यानी ये भी आजमाए गए बेसिकली बात बार बार ये हो रही है इनको भी अठारह साल ये बीमारी में रहे और ये छोटी बात नहीं थी क्योंकि ये बीमारी में रहे और इनकी बीवी इनके साथ थी फिर हमने अपने हाथों से के तिनके तिनकों का एक मुठ्ठा लिया और इससे कहा कि मारो और वो कसम तोड़ दी इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपनी बीवी को मारूँगा बी, बीवी की किसी बात पर नाराज़ हो गए थे और हालांकि सिर्फ उन्होंने अपने बाल काटे थे और काट के बेचे थे वो बाल जिसकी वजह से ये नाराज़ हालांकि उन्होंने बेचे भी इन्हीं के लिए थे कि इन्हीं को खाना पहुंचाना था उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था तो ऐब आलाम को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अल्लाह से कसम खा ली कि मैं इसको सौ मारूँगा और अल्लाह तला ने उनके दिल में ये बात डाली कि कैसे तुम सौ मारोगे सौ सौ कौड़ों की जगह सौ तिन के इकट्ठे किए और कहा अब ये एक दफ़ा मार दो हमने ऐब के साबिर उनको साबिर पाया बेहतरीन बंदे जो हर वक्त रजू करने वाले थे और हमारे बंदों इब्राहिम इसहाक याकूब को याद कीजिए जो बड़ी कुत अमल वाले अमल वाले अमल वाले थे और कुवत के साथ अमल और साहिबान साहिबान बसीरत बसीरत वाले अल यद अलद यदिलबसार देखने वाले हमने इन्हें खालि सफ्त की बिना पर चुन लिया और फिर दार आखरत की तरफ या की याद थी जिक्रत दार ये आखरत की दार किया करते थे आखरत का जिक्र करते थे बात यह है कि सारी बात यहाँ पर कि शिफा भी अल्लाह ताला ही देने वाला है वही ठंडा पानी इनके लिए शिफा बन गया जो चीज़ें अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए उससे पहले कितनी दफ़ा पानी पिया होगा ना कितनी दफ़ा ये पानी में गए होंगे तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया वही चीज वही कई दफ़ा आप दवा ले रहे होते हैं और वो आपके लिए शफानी बनती और जब अल्लाह का हुक्म होता है इसलिए बिसमिल्ला पढ़ दवाएं भी खाएं तो अल्लाह तला की मदद से और ये जरूर करें ताकि पता नहीं है कि क्या चीज़ किस वक्त काम दे जाए रसूल अल्लाह फरमाया अल्लाह के नबी सलाम अठारह बरस बीमार रहे करीबी और दूर के लोगों ने इनको छोड़ दिया फिर अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही की के, के जिससे ये सूरत सौद की ये वाली आयत ये वाली आयत उतरी थी जिससे अल्लाह ताला ने इनकी तमाम बीमारियां दूर कर दी थी और वो पहले से ज्यादा हसीन हो गए थे जिनकी दो खेत थे एक गंदम का एक जौ का और अल्लाह ताला ने दो बादल भेजे एक बादल गंद, गंदम वाले खेत पर आकर सोना बरसाने लगा यहाँ तक कि इसको भर दिया और दूसरा जो था वो जौ वाले खेत पर आकर चांदी बरसाने लगा और यहाँ तक कि इसको भर दिया अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता मांगने वाले की मुझे लगता है सारी कमी वहाँ पर है हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम सही तरीके से अल्लाह तला की इबादत कर सके हमें अल्लाह तला नबी वसलम ने, ने अल्लाह तबीसल को अल्लाह तला ने कहा था रबना आतीना दुनिया हसना व फिर आखिरति हसना व किना के नाजा ये मांगो और हमारे बंदों इब्राहिम इसहाक और याकूब का जिक्र करो जो हैं बड़ी कुव्वत कुत अमल रखने वाले और बड़े दीदावर लोग थे हमने उनको एक खालिस सिफ्त की बिना पर चुन लिया था और वो दार आखरत की याद थी तो इससे क्या पता चलता है कि जो शख्स आखरत की कसरत से याद करता है अल्लाह का पसंदीदा खालिस होता है यकीन हमारे यहाँ उनका शुमार चुने हुए लोगों में से होता है और इस्माइल यस और जुल्किफल इनका भी जिक्र कीजिए ये सब नेक लोगों में से थे कैसी तारीफ कर रहे हैं अल्लाह तिक्रमतिन ये एक जिक्र था अब सुनो के मुतकी लोगों के लिए यकीन बेहतरीन ठिकाना है इनका जिक्र करके सारे मुत्तकी लोगों के लिए बात कर दी कि बनना है, क्या है असल गोल क्या है हमारा कि हम मुत्तकी बन जाएं हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे उसमें वो तकिये लगाए बैठे होंगे खूब खूब फल मशरूबात तलब कर रहे होंगे और उनके पास शर्मीली हम सन होंगी वो ये वो चीज है जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया गया था ये हमारे रज्जाक हैं रिस्क हैं जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं इना लारिज लारिज गुना ये हमारे रिस्क हैं यानी एक नहीं बेशुमार जो हम सोच समझ भी नहीं सकते हमारी परसेप्शन में ही नहीं है ये तो है मुत्तकियों का अंजाम और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाते रहेंगे बहुत ही बुरी क़्याम का ये है उनके लिए बस वो मजा चखेंगे खोलते हुए पानी और पीप और लहू का और इस किस्म की दूसरी तलखियों का अल्लाह अकबर अल्लाह बचाए वो उनके जवाब देंगे आ, वो उनको जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो कोई खैर 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 मकदम यानी कोई वेलकम तुम्हारे लिए नहीं होगा तुम ही तो ये अंजाम हमारे लिए आगे लेकर आए हो कैसी बुरी है ये जाय करार यानी कि तुम्हारे अपने करतूतों की ये सब कुछ किया धरा है। फिर वो कहेंगे ऐ हमारे भर रब जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचने की बंदोबस्त किया उसको भी दो का दोरा देके यानी हमें हदायती दिन दी, हमें बताया ही नहीं आज हम कहां से कहां पहुंच गए क्या हम यूं ही इनका मजाक उड़ाते रहे या अब हमारी निगाहें इनसे इन, इन, इन फिर गई हैं यानी कि हम अच्छे अमाल करके जहन्नुम में निजात पा लेते वो ज्यादा बेहतर था अब पछता रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि वो जो नेक लोग थे ना जिनके पीछे हम चल रहे थे उन्हीं की बात मान लेते ये बात बरहक है कि जहन्नमी बाहम हम ऐसे ही झगड़ेंगे कह दीजिए मैं तो महज एक डराने वाला हूं और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इला नहीं ये वो यकता है वाहिद है कहार और सबको दबा कर रखने वाला और जमीन और आसमान और जो इनके दरमियान है सब का रब है गालिब है माफ करने वाला अजीजुल गफ्फार कितने अल्लाह के नाम इसमें आएंगे देखिएगा माफ तो करने वाला है इनसे कहिए ये एक बहुत बड़ी खबर है बहुआ नबाउन आजीम ये बहुत बड़ी न्यूज है हेडलाइंस है हम कैसे टीवी में आते हैं ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस बिग न्यूज अल्लाह तला कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम ऐराज कर रहे थे मुझे तो आलम बाला के मुतालिक कुछ इल्म ना था जब वो झगड़ झगड़ रहे थे यानी कि फरिश्तों की बहसों का मुझे इल्म नहीं था वही से ने से मुझे इल्म हुआ इस तरह क्या की इस बड़ी खबर की भी वही के जरिए से इल्म होगा मुझे तो सिर्फ इसीलिए वही की जाती है किस कौन कह रहा है रसूल अल्लाह खुद बोल रहे हैं अब अब हमसे कहा जा रहा है आप बोलो ये कि मुझे तो यह इलम नहीं था मुझे तो सिर्फ इसलिए वही की जाती है कि खुला, खुला, खुला तो, तो, तो तुम भी इसके सामने सजदा रेज हो जाना चुनाचे सब फरिश्तों ने मिलकर सजदा किया सवाए इब्लीस के जिसने तकबर किया और काफरों से हो गया अल्लाह अल्लाह सुबहान तला ने पूछा इब्लीस जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया तू इसे सजदा करने से तुझे तु किस चीज ने रोक दिया किस बात ने रोक दिया क्या वजह थी जो तू रुक गया क्या बड़ा बनना क्या बड़ा बनना चाहता है तू ही ऊंचा दर्जा रखने वालों में से है तुम आलम पूरे आलम पे तो तेरा ही दर्जा ऊंचा है कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मुझे तो तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से अल्लाह सब ने फरमाया अल्लाह तरमा रहे हैं, निकल जाए यहाँ से यकीन तू मरदूद है और क्यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी वो कहने लगा वो कहने लगा आगे से काला रब भी ए मेरे रब फिर मुझे इस वक्त तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे फरमाया अच्छा तुम्हें मोहलत दे दी गई ये आदम की इज्जत और शैतान के बाद शैतान की देखें कैसे जिल्लत है एक किस्म की उसको सजदे का हुक्म दिया गया और इसको तो सजदे अपने आप को रोक दिया अला योल वक, वक्त मालूम एक मालूम वक्त तक एक मालूम वक्त तक के लिए दोनों को ये मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है इसने कहा तेरी इज्जत की कसम मैं इस इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सवाए तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया फरमाया तू हक तो हक ये है कि मैं हक ही कह आ, कहा करता हूँ जहन्नुम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे इबलीस की खास प्राइड और खास बात की जा रही है यहाँ पर ए नबी अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कह दीजिए कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना ही मैं बनावटी लोगों में से हूं ना मैं आना मिनल अल्लाह ताला ने तकल्लुफ करने से मना किया है कि हम तकल्लुफ करने हजरत ये उमर ताला तो जो थे वो कहते थे कि हमें तकल्लु करने से मना किया गया है कि कह, क्या कहा गया कि ना ना मैं इसका सिला ही मांगता हूँ और तकल्लुफ करके ना नबी बना हुआ यानी कि मैं कोई एक्स्ट्रा दिखावे से ये बातें कर रहा हूँ तो तकल्लुफ करना भी तकल्लुफ़ का उर्दू में भी मफहूम है कि तकल्फ करना बनावट करना बात सीधे मुँह बात करने की बजाय बना बना के अपने आप को पेश पेश करना जो आप हो नहीं वो आप पेश करना वो तकल्लुफ कहते हैं तो जो आप करना चाह ये जो आता है ना लफ्स के आपने बड़ा तकल्लुफ किया हुआ है तो वो तकल्लुफ़ क्या है कि भाई आप सादा सादा रखें इसका ऑपोजिट ये है लेकिन हमने इसको बात को कहां से कहा ले जाते तकल्लुफ़ का मतलब है कि आपने आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज की है आप यूजली आप ये काम नहीं करते तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अपना खुद ना खुद तकल्लुफ ना करो ना किसी को करने जो आप हैं वो ही शो करें इन्ना इन्ना हुआ इल्ला जिक्र आलमीन ये कुरान तो जुमला अहले आलम के लिए नसीहत है सब के लिए फॉर एवरीबडी ये तो नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम इसका हाल तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है अब क़यामत के आने में तो अल्हम्दुलिल्लाह बात यही है कि हम अल, हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमें पता नहीं कब पता चलेंगी कम नहीं होगा लेकिन एक दिन अल्लाह ताला इनको खोल देगा बिस्मिल्ल सूरत जुमर देखते हैं بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين خالص والذين اتخذوا अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाय करने रहम करने वाला है सूरत जुमर। सूरत जुमर, अजुमर, मक्की सूरत है और इसकी थीम है कि दीन अल्लाह के लिए खालिश है बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं इसके कुरान के अल्फाज की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉरी जो अल्लाह ताला ने आ, इनका अकीदा दुरुस्त करने और और सही लाइन पे लाने के लिए इंसानों के लिए जो के जो, के हम हदायत पे आ जाएं और इसको एक किताब समझें कि ये अल्लाह एक है और तोहीद पर है आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लम ये किताब अल्लाह ताला गालिब और हकीम की तरफ से नाजिलशुदा है हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल किया है लिहाजा आप खालिश इसी की हकमियत तस्लीम करते हुए इसकी इबादत कीजिए इसी की इसी को जबरदस्त माने इसी की हकमिय, हकमियत यानी कि यही एक खालिस दीन और यही हमत वाला दीन है मुखलाना दीन, जो हमें खालिस करता है अगर अल्लाह किसी बेटे के लिए अ, अगर अल्लाह अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो वो अल्लाह है अकेला सब पर गालिब यानी हर चीज का कंट्रोल अल्लाह ताला पर है उसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया फिर वही है जिसने उस जान से उसका एक जोड़ा बनाया उसने तुम्हारे लिए मवेशियों में से आठ नर और मादा पैदा किए वो तुम्हारी माओ के पेटों में से तीन तीन तारीख पर्दों में से तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला आता है यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब भी है उसी की है, कोई मबूद उसके सिवा नहीं है फिर तुम किधर फिर आए जाते हो यानी कि इतनी दलीलों के बाद अब तुम्हारा क्या मामला है कि तुम क्या सोच रहे हो इन नंकुम अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है मगर वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता और अगर तुम शुक्र करोगे अंडरलाइन करने वाली आयत है अगर तुम व इन तश और अगर तुम शुक्र करोगे वह तो क्या होगा यार उदाहम तो वो इसे तुम्हें तुम्हारे लिए पसंद करता है कोई बार बारे गुना गुना का बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ कभी नहीं उठाएगा फिर तुम्हें अपने रब के हाँ ही लौटना है वो तुम्हें बतला देगा जो कुछ तुम कर रहे हो और बिला शुबा वो सीनों के रास तक जानने वाला है और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है यहाँ पे अल्लाह ताला दो दफा इस बात को करेंगे देखिएगा दोनों में मुख्तलि क्या क्या आ, आ, है इट इज डिफरेंट वन इट्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्यों वो डिफरेंट है देखें जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करते हुए पुकारता है फिर जब वो उससे अपनी नेमत से नवाजता है तो भूल जाता है जैसे उससे पहले इसने अपने रब को पुकारा ही ना था अल्लाह के शरीक बनाता है ताकि इसकी राह से बहका दे कह दीजिए कि अपने कुफर का थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले तो यकीनन तो अहले जहन्नुम में से है तो एक ये सिचुएशन है कि अल्लाह ताला तकलीफ पहुंचती है वो रब की तरफ रजू करता है साथ ही वो निकल आता है उसमें से तो वो क्या कहता है वो कहता है ये तो मेरी अपनी किसी उस ट्रिक की वजह से वो मैंने गूगल किया था वो मैंने ये सर्च की थी वो मैंने डॉक्टर देखा वो, वो डॉक्टर ने किया उसने उसने फलाने के किया नहीं वो ये नहीं सोचता तो बात ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे हमें साफ कह रहे हैं कि वो तुम तब पुकारता है यहां शुकर के मुकाबले में अल्लाह फरमा रहे हैं जो रवैया हमारा है वो कुफ़र वाला है ये कुफर है ठीक है क्लियर नेक्स्ट एक और नेक्स्ट टाइम एक और दफा आएगा क्या ये बेहतर है या जो रात के औकात क्याम और सजदे में इबादत करते गुजरते हैं या या पे रात की इबादत का आ रहा है तस्जुद की नमाज का कि अल्लाह ताला यहाँ पे रहे हैं कि क्या ये बेहतर है ए नबी वसल्लम इनसे कहिए ए मेरे बंदो जो ईमान लाओ अपने रब से डरो नंबर क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या इस शख्स की जो जो मोती फरमा बरदार है रात की घड़ियों में खड़ा रहता है सजदा करता है आखरत से डरता है अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है इनसे पूछो क्या जानने वाला और ना जानने वाला दोनों कभी बराबर हो सकते हैं नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं ए नबी सल्म इनसे कहिए मेरे बंद मेरे बंदे जो ईमान लाए हैं अपने रब से डरो जहाँ पे कुल या इबादल लजीना आमन उत्तक रब अपने रब से डरो लजीना अहसनु और जो लोग नेक काम करते हैं इसके इन इनके लिए दुनिया में भी भलाई है और अल्लाह की जमीन वसी है बिला शुबा सबर करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाता है कैसे सबर करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब यानी यहा यहा यह पता चलता है कि बंदा खौफ के साथ जब अल्लाह से उम्मीद भी लगा के रखता है और ईमान इन दोनों कैफियत का नाम है कि उम्मीद भी है और खौफ भी है खौफ है कि पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा आप कह दीजिए मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं खालिसतन क्या मुझे तो हुक्म दिया गया आप कह दी मुझे हुक्म दिया गया कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लूं आ अबूद अल्लाह मुखलिस अल्ला दीन आप देखिएगा ये बार बार आएगा खालिस होना दीन का इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम दीन को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर लें उसकी बंदगी करें और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं और इससे क्या पता चलता है कि अमल करना जरूरी है बन के दिखाना कहो अगर मैं अपने रब की फिना फरमानी करूँ तो मुझे एक बड़े दिन का अजाब का खौफ होगा किसको कहा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दीजिए कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूंगा तुम उसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो असल दीवान ये दीवालिये जिनको बैंक बेंकरप बैंक्रप्सी है अल्लाह तला वो कहते हैं कि बैंक्रप्ट हो गए हैं वही हैं तो वही हैं जिन्होंने क्यामत के रोज अपने आप को और अपने अहल को घाटे में डाल दिया खूब सुन रखो यही खुला दिवालिया है यही बैंक्रप्सी है असल जिसका कुछ पीछे नहीं रहता बर्बाद हो जाता है सही बात है हमने भी दुनिया की इतनी तालीम अपने बच्चों को दी है कि वो दीन ही भूल गए हैं कि दीन क्या है और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये रमज़ान का महीना है उन्हें ये भी नहीं पता कि ये रोज़े रखने कितने कितनी कित, कितनी फजीलत है इसके अंदर उन्हें यह भी नहीं पता यहाँ के रात रातों को जा, जागने दिन को जागने अल्लाह ताला अपने अपने दरवाजे खोल के बैठे तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह तला उन सब बच्चों को अल्लाह तला हदायत पर ले आए उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी नीचे से भी और ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है बस है मेरे बं, बंदो मेरे गज़ब से बचो कितने प्यार से अल्लाह फरमा रहे हैं आया नंबर सिक्सटीन में सेवनटीन में कहते हैं बखलाफ इसके ऑपोजिट इसके जिन लोगों ने तावूत की बंदगी से इज्तनाब किया रुक गए बच गए अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया उनके लिए खुशखबरी है पसए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए मेरे उन बंदों को जो बात गौर से सुनते हैं क्या जो गौर से बात सुनते हैं। और फिर इसके उमदे की पैरवी करते हैं साथ ही शुरू कर देते हैं लोग दरअसल अक्लमंद है अक्लमंद यहाँ पे बार बार देखे आज इंटेलिजेंट और अक्लमंद और अक्ल वाला किसको कहा जा रहा है फरमाया अफाम कलीमत कलीमतुल अजाब नबीसम उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला पक्का हो गया हो लगा दिया गया हो क्या तुम उसे बचा सकते हो जो में गिर चुका हो अलबत् जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बुलंद इमारतें हैं मंजिल पे मंजिल बनी हुई जिनके नीचे बला खाने जिनके नीचे नहरे बह रही होंगी ये अल्लाह का वादा है अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता तुम तुम यानी कि अपने अंदर पैदा कर लो, दुनिया दुनिया की आखरी, आ, और आखरत में भी अंजाम पाओगे आया नंबर ट्वेंटी में अल्लाह फरमा अलबत् जो लोग अपने डर के ये मामला करेंगे आगे उनके बारे में क्या ट्वेंटी वन में बताया कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया फिर इसकी सतूनों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल शक्ल में जमीन के अंदर जारी किया फिर इस पानी के जरिए से वो तरह तरह की खेतियाँ जिनकी किस, किस मुख्तलि फिर, फिर तुम देखते हो वो जर्रा, जर, जर, जर्रा बन जाती है या जर्द पीली फटक पड़ के गिर जाती हैं, फिर आखिरकार अल्लाह उनको भुस बना देता है दर हकीकत इसमें एक सबक है किसके लिए अकल वालों के लिए क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है नंबर ट्वेंटी टू यशरा सदरा इस्लाम अल्लाह ने उसका सीना शरा सदर कर दिया यानी अल्लाह ने सीने को खोल दिया इस्लाम के लिए और वो अपने रब की तरफ से रोशनी पर हो तो इसी जैसा है जो सबक सबक नहीं लेता या हलाकत में है इस जैसा है कोई बराबर जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सख्त हो जाते हैं दो किस्म के दिल है एक दिल है जो अल्लाह तला की, की बात सुनते ही दिल खुल गया उसका उसकी उसके दिल में अल्लाह की रोशनी आ गई वो वो सख्त नहीं है लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं एक दिल है जो तंग है तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए और खुली गुमराही में पड़े हुए हैं अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग और इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है इसमें बार बार मज, मजामी दोहराए गए यानी कि इसमें एक ही सब्जेक्ट पे बात नहीं और ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें आती हैं आहसन हदीस है अल्लाह ताला कहते हैं बेहतरीन काम बात है एक और लफ्ज यहाँ पे आता है मसानी मसानी किसके लिए एक यूज होता है दोहराई जाने वाली सात आयात सूरत अलफात को भी कहा गया ना मसानी कि एक के बाद इसी तरह जिसके मजामी मिलते जुले जुलते और मसानी है अल्लाह ताला कहते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं यानी के कुरान की बुनियाद एक उसकी बुनियादी मौजू हदायत है किसका इंसान नौ इंसानी का इंसान को हदायत पहुंचाना और, और जिनसे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे दिल जो अपने रब से डरते हैं फिर इनकी जिल्दें, इनकी स्किन और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ रागिब हो जाते हैं यही अल्लाह की हदायत है वो जिसे चाहता है कुरान के ज़रिए हदायत देता है और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसे कोई हदायत नहीं देता असल में दिल नरम होते हैं तो फिर ज़ुबानों से भी नरम बात होती है अगर जिनके दिल नरम होते हैं वो फिर सख्त बात नहीं होते उनके दिल दिल से नरमी और फिर हमदर्दी ये दो जज्बात उनके अंदर पैदा हो जाते हैं लेकिन जिनके दिल सख्त होते हैं फिर उनके असरात दिल के असरात उनके ईज़ा पर उनके जवारे पर उनके जिसम पे भी उनकी उनके चलने का तरीका भी ऐसा होता है आसमान की तरफ मुँह करके ऐसे हाथ कंधों पर लटका के ऐसे चलते हैं उनकी त, उनका स्टाइल भी उसी तरह का होता है लेकिन जो आज का बंदा होता है जिसका दिल नरम होता है वो नरम नरम करके दिल जो है वो फिर चलता है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं भला जो क्यामत के दिन सख्त अजाब में ये ऐसे लोग होंगे अब उनके बारे में अल्लाह ताला कह कह रहे रहे हैं कि जिसे चाहता है कुरान अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब होते हैं यही अल्लाह की हदायत है वो जिसे चाहता है कुरान के जरिए हिदायत देता है और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसे कोई हदायत देने वाला नहीं भला जो क्या के सख्त अजाब को अपने चेहरे पर रोकेगा इसकी बेबसी कैसी और जालमों से कहा जाएगा अपने करतूतों का मजा छोड़ो चखो यानी कि यहां पर उन लोगों को उन उनसे वो बचा नहीं सकेगा अजाब नहीं अपना बचा सकेंगे कहेंगे उनसे पहले के लोगों ने भी झुटलाया तो इनको इनको ऐसी जगह से अजाब आया जिसका इन्हें तक ना था फिर अल्लाह ने इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही रसवाई का मज़ा चिखा दिया और आख़रत का अजाब तो कहीं बढ़ कर है, काश वो जानते होते अल्लाह ताला यहाँ पर बार बार लोगों के लोगों की हकीकत बता रहे हैं कि इनको बताना चाहिए ताकि ये एक दिन इस हकीकत से बैरामंद हो जाएंगे उन्हें पहचान हो जाएगी अल्लाह एक मिसाल देता यहाँ पर आया नंबर ट्वेंटी सेवन में अल्लाह ताला रहे हैं कि लकद तलामारे ना सिफी हाजिल ऐसा कुरान जो अल्लाह ताला ने अरबी में अरबी में नाजिल किया है और हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से मिसालें दी हैं और ये होश में होश में आए ऐसा कुरान जो अरबी जुबान में है जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि जिसकी समझ ना आ सके ताकि ये बुरे अंजाम से बचें अल्लाह एक मिसाल देता है एक शख्स की तो एक शख्स तो वो है जिसकी मलकियत में बहुत से कचखलक आका हैं और जो इसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं यानी कि अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है एक शख्स के जिसके जिस जिसके सबॉर्डिनेट जिसके साथ बहुत सारे लोग हैं और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है एक ही आका है उसका तो क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है ये अक्सर मैं ऐसी मिसाल देती हूँ जो औरतें पाकिस्तान में काम नहीं करती या यहाँ पे भी जो हमारे पास मेड्स आती हैं कुछ आर्स के लिए एक घंटे के लिए काम करेगी और फिर उसने सफाई करनी है क्लीनिंग लेडी आके उसने चले जाना है पंद्रह दस पंद्रह घर करेगी वो किसकी किसकी बात सुनेगी लेकिन जो आपके पास एक मेड सारा दिन रहती है वो आपकी बात सुनती है आप क्योंकि वो आपकी ग़ुलाम है तो अल्लाह तला यही कह रहे हैं ये मिसाल दे कि जो तुम एक बंदे का गुलाम होगा वो जो जिस जितनी जितनी भी मैडमे होंगी उसकी वो एक मैडम कहेगी ये करो दूसरी कहेगी इस वक्त आओ तीसरी कहेगी ये करो तो वो फिर अपनी अपनी मर्जी से चलती है ना वो मेड अपनी मर्जी से चलती है इसीलिए वो जो जो नाफरमान होते हैं वो जब एक का नहीं सुनते दूसरे का नहीं सुनते उन्होंने किसी पे नहीं चलना फिर उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। लेकिन जो एक अल्लाह का फरमा बरदार होगा फिर वो एक ही तरफ जाएगा ना वो कुरान और सुन्नत को ही अपना क्राइटेरिया बनाएगा ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अक्सर लोग लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा आपको मरना है और ये भी मरने वाले हैं आखिरकार क्यामत के दिन तुम सब अपने रब के यहाँ झगड़ा करोगे ट्वेंटी फोर्थ पारा यहाँ से शुरू होता है फिर इस शख्स से बढ़कर ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा अल्लाह ताला पर झूठ बांधा क्या मतलब कि अल्लाह ताला की जो ये सब बातें थी इनको इनको झूठा कहा और ये तब होता है जब इंसान यकीन नहीं करता फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और और जब सच्चाई इसके सामने आई तो इसे जुटला दिया क्या ऐसे काफरों के लिए जहनुम में कोई ठिकाना है और जो शख्स सच्चाई लेकर आया जिन्होंने इसको सच माना वही अजाब से बचने वाला है तो बात यह है कि इंसान सच्चा रहे अल्लाह के आगे भी सच्चा और अपने बंदों के अपने मामला में भी सच्चा कहा वो फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स सच्ची बात लाया वही सच्चा और वो मुत्तकी है यही लोग मुत्तकीन हैं वो जो कुछ चाहें वो जो कुछ चाहेंगे इनके लिए इनके रब के यहाँ मौजूद है मौजूद है नेकी करने वालों का यही बदला है ताकि अल्लाह इनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो इन्होंने की थी और जो अच्छे काम वो करते रहे इन्हें इन्हीं के लिहाज से इन्हें इनका अजर दे यानी हर एक के लिहाज से उनको अजर मिलेगा जितना वो जिस कैपेसिटी का काम करके लाया होगा क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफी नहीं और ये लोग तो आपको इससे डराते हैं जो इसके सिवा हैं और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं और जिसे अल्लाह हदायत दे इसे गुमराह करने वाला कोई नहीं क्या अल्लाह सब पर गालिब और इंतकाम लेने वाला नहीं और अगर आप इनसे पूछें कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया तो यकीन ये कहेंगे कि अल्लाह ने आप इन्हें कहिए भला देखो जिन्हें तुम तुम अल्लाह के सिवा कुछ और पुकार रहे हो अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तुम्हारे मबूद इसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को दूर हटा सकते हैं अब यहाँ पर फिर जो वो जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया इसी सूरत में दोबारा आया कि वो कोई और इस सबसे पहले तो सोचने की ये बात है कि तुम जो किसी और को कहते हो कि इसकी वजह से मुझे ये तकलीफ दूर हुई तो वो तकलीफ को दूर हटा सकते हैं अगर ये अगर वो कर सकें या अगर वो मुझ पर रहमत करना चाहे तो ये उसकी रहमत को रोक सकते हैं कितनी बड़ी है क्वेश्चन है आप इनसे कहिए मुझे तो अल्लाह ही काफी है अलैहि तवक्कल अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून के और तवक्कल करने वाले ही इस पर तवक्कल करते हैं कुलिया कौमी ए मेरी कौम तुम अपनी जगह काम करते रहो ए मालू अपनी जगह तुम अपनी जगह से मत हटना अपने काम अपने काम अपने काम करते जाओ और मैं अपनी जगह कर रहा हूं फिर जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर किस पर ऐसा अजाब आता है जो इसे रुसवा कर दे और किसी पर दायमी किस पर दायमी अजाब नाजिल होगा यानी कि जब ये जवाब है धमकियों का जो आप को दी जा रही थी और फिर उनके उनको दिया जा रहा है कि जो पर, जो पर का ना प्रचार करते हैं ना उसको मानने की कोशिश करते हैं इन बिला बिलाशुबा हमने हमने ये किताब तुम लोगों पर नाजिल की है हमने ये किताब तुम लोगों के लिए आप पर बरहक हक के साथ नाजिल की है फिर जो हदायत पर आ गया तो इसका अपना ही फायदा और जो भटक गया इसके भटकने का बबाल भी उसी पर है और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं, ये अल्लाह की निशानी और कुदरत है अल्लाह या तवफा अल्लाह ये जो मौत के वक्त रूहें कब्ज कर लेता है और जो जो मरा ना हो इसकी रूह नींद की हालत में कब्ज कर लेता है फिर जिसकी मौत का फैसला हो चुका हो इसकी इसकी रूह को रोक लेता है यानी कि कोई सोया सोया मर जाए और रूहें दूसरी रूहें एक मुकर्रर वक्त तक तक के लिए वापस भेज देता है गौर फिकर वाले लोगों के लिए इनमें बहुत सी निशानियां आप सोते वक्त प्लीज दुआएं पढ़ा करें बिस्मिका अल्लाहुम्मा मुँह आहिया के अल्लाह ताला मौत के वक्त भी सोने के से पहले भी ताकि और फिर सारी सोने और जागने का एक पूरा ऐप है जिसको आप अगर देखें कि सोने और जागने की दुआएं पढ़ के अगर सोएं तो आप अल्लाह ताला के हवाले अपने आप को करते हैं कि अल्लाह मैं तेरे तेरे अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ उससे क्या फायदा होता है उससे ये फायदा होता है कि जगह आपको नींद के भी वक्त आप सोए सए फौत हो जाए तो आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया होता है और अल्लाह का नाम लेके आप सोए होते हैं यह छोटी चीज नहीं है बिस्मी रब भी वा तु भी वबी अरफा इन अम सकता रब नफसी

और हम शैतान हमें बुला देता हमें पता ही नहीं कि भाई कहाँ सोए हैं इसीलिए इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से उठते थे तो तब भी अलहमदिल्लाजी आहयाना बादमा मातना इलैहि नशू नहीं याद तो पास लिख रख लें बार बार याद करने से ये दुआएं दौ याद हो जाती हैं क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या इन लोगों ने अल्लाह और इसके सिवा कुछ और सिफारशी बना रखे हैं आप इनसे कहिए कि अगर वो किसी चीज़ का इख्तियार ही ना रखते हों और ना अक्ल रखते हों तो सिफ़ारशी कैसे होंगे आप इनसे कहिए कि सिफारिश पूरी अल्लाह ही के अख्तियार में है जमीन और आसमान में उसकी हकूमत से हकूमत है फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे और जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाता है तो ये लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल घट जाते हैं क्योंकि दिलों में कुफर बड़ा हुआ है कुफर की बातें हैं तो तौहीद की बात होती है तो मिनुना बिल आखिर और आखरत पे भी नहीं और जब अल्लाह के अलावा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो इनकी बाछें खिल जाती हैं आप कहिए ए अल्लाह जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला है गैब और हाजिर को जानने वाला है तू ही अपने बंदों में से इस चीज़ का फैसला करेगा कि जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे और अगर इनमो को जमीन की सारी दौलत मैसर हो और इतनी और भी हो जाए जितनी जमीन के बराबर यानी के और क्यामत के बुरे अजाब से बचाने के लिए फदिये में देने देने को तैयार भी हो जाएंगे इस दिन अल्लाह की तरफ से इनके लिए ऐसा अजाब जाहिर होगा इनके वहम गमान में बिना होगा यानि के अल्लाह। यहाँ पर एक और बात बड़ी आ, हकीकत की बात की गई है कि लोगों के वो अमाल जो लोग समझते हैं कि हम बड़े नेक अमल कर रहे हैं और ये हमें बचा लेंगे और वो गुमान करके बैठे हैं ना नहाँ ऊपर भी हमें कहा गया कि वो उन्होंने सोचा हुआ है गुमान करते हैं सिर्फ वो गुमान करके बैठे हैं कि इनसे हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा वो सब गलत फहमियाँ वो सब उस दिन साफ ज़ाहिर हो जाएंगी जब अल्लाह ताला वहाँ पर अपने अपनी सारी चीज़ें सामने करके रख देगा वह बदला हम सयात और जो काम वो करते रहे अंडरलाइन करें इसको इसके बुरे नतज़ इनके सामने आ जाएंगे यानि कि वो काम तो वो समझ रहे थे कि हमने बड़ी नेकियों के किए लेकिन वो किस नीयत से किए थे वो किस इरादे से कहे गए किए गए काम थे यानी कि दुनिया में जो नेक काम भी किए होंगे और उसके अंदर नियत साफ नहीं होगी उसको किसी और निस्बत से किया होगा माँ बाप का पैस, पैसा है माँ बाप के साथ रह रहे हैं खर्च कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा निकलवा रहे हैं ऐसे ऐसे मैं वाक्यात कहीं सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहां तो खा लेंगे माँ बाप का पैसा उनसे चेक साइन करा करा के उन बूढ़े माँ बाप से ना निकलवाते रहते पैसे और अपनी पास जमा करते रहते उन पे खर्च नहीं करते और अपनी वरासत बनाते रहते हैं या फिर कि हमारी वरासत बने अल्लाह ने इस अजाब ये अजाब है जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे वही इन्हें आ घेरेगा इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारता है फिर जब हम इसे अपनी नेमत से नवाजते हैं ये देखें थर्ड टाइम आ रही ये बात कि अपनी नेमत से नवाजते हैं तो वो कहता है मुझे ये इल्म और तजर्बा ये मेरी ये, ये मेरी अपनी जो है तजर्बा किसको कहते हैं जो आपकी क्या गुजरी होती है सीवी में क्या लिखते हैं आप अपनी एक्सपीरियंस यस yes. के अपने इल्म और अपना आपके एक्सपीरियंस से आपको ये मिला है। ये अल्लाह ताला वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस की बीमार पे हासिल हुई बल्कि ये एक फितना होती है एक ये आजमाइश है फितना तुम वलाकिन किन बला किन अक्सर मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है क्या चीज अल्लाह के मुकाबले में अल्ला अकबर ऐसी ही बात इन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले गुजर चुके हैं फिर वो चीज इनके किसी काम ना आई वो और वो कमा जो वो कुछ कमा रहे हैं चुनाचे अपनी बड़ाई के बुरे नतीजे इन्हें भुगतने पड़ेंगे फास्बाह अपनी बुराइयां अपनी ये नतीजे जो बुरे काम किए हैं इसके नतीजा भुगतना पड़ेगा ये अंडरलाइन करने वाला ये नहीं अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह ताला तो बड़ा रहमान है रहीम है नहीं नहीं हम माफ हो जाएंगे हम पता नहीं किधर बच के चले जाएंगे फिर अपनी कमाई के बुरे नतज इन्होंने भुगते और भुगतेंगे भी और इन लोगों में से भी जो जालिम है वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नतीजे भुगतेंगे ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं है यानी कि ये या, ये हमें कैसे ये ये हमें आजज नहीं कर सकते हम ये अल्लाह की अपनी एक गुस्सा है जैसे क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहे रिस्क वसी करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है और इसमें भी इनके लिए निशानियां हैं ईमान वालों के लिए यानी कि ना रिस्क किसी के हाथ से आता है ना कि रिस्क कोई देता है हर चीज अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है लेकिन हम लोगों पर इल्ज़ाम दे देते हैं इसने मेरी तनख्वाह काट ली इसने मेरा ये कर लिया इसने मेरी मुझे फाइन मिल गया यहां से मुझे ये मेरे पैसे कट गए आप लोगों से कह दीजिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है ला तकन ला तकना तु महमत अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना अल्लाह यकीन सारे ही गुना माफ कर देता है क्योंकि वो गफूर और है अल्लाह की रहमत से सिर्फ वो ही आ, महरूम रहते हैं जो कि अल्लाह ताला को यकीन नहीं करते जिन पे यकीन ना हो वो अनिब हु और अपने रब की तरफ रुजू कर लो पलट आओ और उसका हुक्म मान लो इससे पहले अंडरलाइन करने वाली है नाइन फिफ्टी फोर आयत के इससे पहले के क्या हो पलट आओ जो गलत रास्ता इख्तियार किया है उसको छोड़ दो हराम काम छोड़ दो इस ये ऐसे अल्लाह ताला ललकार ललकार के हमें कह रहे हैं अपने रब की तरफ मुती बन कर फर्मा बरदार बन जाओ इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए फिर कहीं फिर कहीं से तुम्हें मदद ही ना मिल सके और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब की बेहतरीन पहलू की कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और कहीं तुमको खबर ही ना हो ये है ये है मैसेज इस सूरत का कि खुदा का वास्तः अपने आप को दुरुस्त कर लो रुक जाओ सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे अफसोस मेरी उस कुताही पर जो मैं अल्लाह की जानब में करता रहा बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में ही शामिल होगा या कहे काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी इन मुत्तकियों में से होता या अजाब देख कर कहे काश मुझे मुझे इस मौके और एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में से शामिल हो लमिनल अल मैं तो मजाक ही उड़ाता रहा मैं इन बातों का मैं तो लतीफे ही बना बना के करता रहा मैं नेक, नेक लोगों में होने के लिए क्या करना पड़ेगा रिग्रेट करना पड़ेगा आज हमें अपने गुनाहों का नशा और जो इसमें जिस लत में हम हम पड़े हुए हैं हमारे हमारे बच्चे हम खुद कई औरतें कई मर्द उन वो उन चीजों के बगैर नहीं रह सकते सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जिन्होंने रोजे की रोजा रखने से उनको बाज रखा हुआ है तो ऐसी चत चीज़ों को अल्लाह ताला अल्लाह की खातिर छोड़ दें तो यह कहा गया कि आज वो गुनाह हो वो गुनाह जिनसे बच नहीं सकते अल्लाह की पकड़ से नहीं बचते किसी कीमत पर भी निकल नहीं सकते और हा, इन, इसका हाल इसका हाल इसका हल क्या है कि मौत आ जाएगी और फिर हम सबको अल्लाह के ही आगे सुरख करना है तो यहाँ अल्लाह ताला 59 नाइन आयत हम शुरू करूंगी कि अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं तेरे पास मेरी आयात आई तो आई आई तो थी इन्हें तुमने झुटला दिया और और क्या था जिक्र भी था वस्तक बर्था वकुनता मिनल काफीन और था तू बैठा किस में बैठ गया था कुफर करने वालों में से तू उनको उन पे बैठ गया था तुमने कोई एफर्ट ही नहीं की अपने आप को जस्टिफाई करता रहा वीलें सोचता रहा रिग्रेट भी नहीं किया तो बात यह है कि हमें हमें ये रिमाइंडर दिए जा रहे हैं हमारे कोई कुवत नहीं सारी कुवत है सारी लाहौल वाला कुत है अला बिल्ला अल्लाह के पास सारी कुत है अल्लाह के आगे झुक जाए अल्लाह तला के आगे कहें कि अल्लाह मुझे मुझे तो हदायत देकर दे दे कि जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला था क्यामत के दिन आप देखेंगे कि इनके चेहरे स्याह होंगे स्या हो रहे होंगे क्या जहनुम तकबर करने वालों का ठिकाना नहीं और जो लोग अल्लाह से डरते रहे अल्लाह इन्हें इनका इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा इन्हें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी ना वो गमजुदा होंगे मुझे ये बात एक याद आ रही थी कि क्योंकि क़यामत वाले दिन ये सूरज और चांद दोनों आज जो चमक रहे हैं इनको भी जहनुम में फेंक दिया जाएगा ना क्योंकि जो इनको पूछते थे वो इनके साथ ही होंगे सारे और आगे आप ये जो जुमर है जुमर का मतलब ही यही है ना के सार, ये सारे के सारे जो हैं ये इकट्ठे करके एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये अब अल्लाह ताला बता रहे हैं और अंधेरा क्या है अंधेरा जो है वो जहालत अंधेरा है ला इलमी का अंधेरा है इस किस्म के सारे अंधेरे इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे जो चेहरा भी है वो भी काला होगा स्या काला हो रहे होंगे जो जहन्नुम में होंगे और जो लोग अल्लाह से डरते रहे अल्लाह इन्हें इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा और इन्हें ना तो कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना वो गमजदा होंगे अल्लाह ही, अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला और वही हर चीज का मुहाफिज है लहू मकाली अंडरलाइन कर लें इसको भी क्या आसमानों जमीन और आसमान की कुंजियां उसके पास हैं। चाबियां उन्होंने रखी हुई अपने पास ताले किस तरह खोलेंगे और जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया वो ही खसारा उठाने वाले लोग हैं आप इनसे कहिए जाहिलो अल्लाह ताला कह रहे हैं अफागैर गय, अफा अल्ला ही ता मरूनी क्या आप इनसे कहिए जाहिलो क्या तुम मुझ मुझे ये मशवरा देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करूं तुम तो मुझे ये पे एक बात बता रहे हो ये किसको कह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि मैं ला, ला इला इल्ला ला की बजाय और इन इनके महबूदों को भी पूज लें इनको भी साथ इला बना लें आओ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ हालांकि आपकी तरफ ये वही की जा चुकी है कि इन लोगों की तरफ भी जो आपसे पहले थे ला इन अगर आपने शिरक किया ला ला बतन तो आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे अमलक लह बतन अमलक के आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे वाला वा तुक वन्ना मिनल खासन और आप खसारा उठाने वालों में से होंगे तो ये है अल्लाह ताला बल् अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल बल अल्लाह बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत कीजिए और उसी के शुक्र गुजार बन के रहिए आया नंबर तो अल्लाह की ही बंदगी और शुक्र शुक्र गुजार बंदा भी अल्लाह का बन के रहना इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ममा कदर अल्लाह हक्का कदरी वमा कदर अल्लादर ही वलअर्द जमी कब दतु यौमल की यामा इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है उसकी कदर कामला का हाल तो ये है कि क्यामत के रोज पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे क्योंकि आसमानों को आसमानों को खोला खोला गया जैसे कि कागज खोल देते हैं रोल हुआ हुआ कागज होता है उसको खोला हुआ है फिर दोबारा लपेट दिया जाएगा वो लपेटे हुए आसमान अल्लाह के दाएं हाथ में होगा पाक और है, वो उस शिर से जो ये लोग कर रहे हैं अल्लाह माफ़ फरमा दे क्योंकि ये अल्लाह की कदर नहीं करते थे ना हर चीज का मजाक उड़ाते मिट्टी से पने उसका मजाक दरख्त जो है वहां पे वो कैसे जलेंगे हर चीज का क्योंकि यहूदियों का एक आलम आप के पास आया और कहने लगा मोहम्मद अपनी अपनी किताबों में आपने लिखा हुआ ये ये है कि अल्लाह ताला के के दिन आसमानों को एक उंगली पर ज़मीन को एक उंगली पर और दरख्तों को एक उंगली पर और पानी और गीली मिट्टी को एक उंगली पर और बाकी तमाम मखलूक को एक उंगली पर उठा लेगा फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूं ये सुनकर आप इतना हंसे कि आपकी कचलियाँ जो थीं आपकी दाड़ें जार होने लग गई और आपने इस आलिम के कौल की तस्दीक की और फिर यही आयत पढ़ी कि जो तुम कह रहे हो यही कुरान में और यह पहले उनके उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने यह काम करना है वनुफ का फिर और फिर सूर फूंक दिया जाएगा उसके उस रोज फिर उस रोज सूर में फूंक मार दी जाएगी तो जो भी आसमान और जमीन में होंगे सब बेहोश हो जाएंगे मगर उसके उसको जो अल्लाह चाहे फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा सुमनफ नफि फिर नफि फी ही उखरा फिर सेकंड टाइम सूर फूंका जाएगा अबू हदी अल्लाह बयान किया गया कि रसुल्लाम ने फरमाया दो सूर फूंके जाने के बाद के दरमियान चालीस का फासला होगा अब ये नहीं पता कि सा, चालीस साल है चालीस दिन है चालीस हजार साल है चालीस महीने हैं कोई पता नहीं लेकिन है फिर अल्लाह तला फरमाते हैं यहाँ पर जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी और किताब आमाल ला के रख दी जाएगी क्योंकि पहले बेनूर हो जाएगी जमीन बिल्कुल नूर खत्म हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा फिर अल्लाह ताला नजूल फरमाएंगे अल्लाह ताला खुद क्या है नूर हैं अपने नूर की कुछ अजल कराएंगे थोड़ा सा नूर आएगा ज़मीन पर जमीन अपने नूर की चमक से उठेगी किताब अमाल लाकर रख दी जाएगी अम्बिया और तमाम गवाह हाजिर किए जाए जरा इमेजिन करें एक बहुत बड़ा स्टेडियम है उसमें यह काम हो रहा है दुनिया पूरा स्टेडियम बन गई है अब अल्लाह ताला की व अर्द बिनूर बिनूरी ही, हा, वा वु, वा किताब, किताब रख दी जाएगी व, वजा लाए जाएंगे कौन अम्बिया और तमाम गवाह हाजिर हाँ हाँ हो जाएंगे लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा और हर शख्स को जो कुछ भी इसने अमल किया होगा उसका पूरा पूरा पदला दे दिया जाएगा जो कुछ भी लोग करते रहे अल्लाह इसे खूब जानता है इसके बाद जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ना जब आज ज़मीन सूरज सूरज जब रोशन होते हैं मगर उस दिन अल्लाह रब्बुल जलाल के नूर से रोशन होंगे कुरान और अदीस के इशारे से ये मालूम होता है यहाँ पर कि अल्लाह ताला मैदान मशर में अपने इस हिजाब को थोड़ा सा जैसे बेहजाब करेंगे और लोगों को दिखाएं क्या मत के दिन अल्लाह ताला सिर्फ अपने इल्म की बिना पर ये फैसला कर पाएंगे अदालत कायम होगी मुजरिम सामने आएंगे शहादतें होंगी खुद इंसान अपने के के एज़ा बोलेंगे जुबान बंद हो जाएगी बंद कर दी जाएगी और खुद इन हर चीज़ बोल उठेगी मुजरमों को भी कई इकसाम होंगे कोई ग्रुप्स में होंगे कोई किसी ग्रुप में कोई किसी ग्रुप में उनके टोले होंगे अल्लाह तला इस अगली आयत में कहता है वसीकल्लज़ीन कफ़र इला जहन्नम ज़ुम ज़ुमरा ज़ुमर ये ज़ुमरा जो है वो ग्रुप्स हैं जो जो जिस जिस जुर्म में होगा वो ग्रुप होगा शराब पीने वाले एक ग्रुप होगा ये कोकेन लेने वाला एक ग्रुप होगा जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले एक ग्रुप में जो जो गुनाह किए हैं कातिल एक ग्रुप में सोचे वहाँ हाबील का वो जो, जो है काबिल उसने जो पहला कत्ल किया था उस वो लीडर और सबसे पीछे सब जो जो पहला काम किया और उसके पीछे जो जो फॉलो करते आएंगे जो अपने रब से डर रहे हो डर रहे हैं इन्हीं का ग्रो ग्रो, ग्रो कहा गया कि इस फैसले के बाद लोग जिन्होंने किफर किया जहन्नम की तरफ ग्रो दर ग्रो हाके जाएंगे यानी कि उनके वो उधर धक्के जा, दिए जाएंगे जब वहां के जब वहां वो लोग आ जाएंगे तो इनके दरवाजे खोले जाएंगे और इनके कारिंदे वहां के जो गार्ड्स हैं उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसा रसूल नहीं आया और तो यहां क्यों आ गए हो तुम्हें कोई आया नहीं था बताने मतलब कि ऐसे पूछेंगे तुम इस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम्हें कोई नहीं आया जिन्होंने तुमको अपने रब की आयात सुनाई होती जिन्होंने तुम्हें आयात सुनाई या तुम्हें कोई बात ही बता दी होती कि तुम हम ही जाते तो जो प्यारे अजीज और प्यारे लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचाएं किसी तरह भी आपके बच्चे आपके बड़े आपके भाई क्योंकि ये रोशनी है ये नूर से ये नूर हदायत है ये क़ुरान और हमें हर रोज़ ये जो है ये बातें बताई जाती हैं रोज़ हमें ये बाकी की निशानियां नज़र आती हैं सूरज चाँद सितारे बादल हमें हर रोज़ हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन ये एक दिन अल्लाह सबको लपेट देगा ख़त्म कर देगा कि बस ये अब ख़त्म और कहा गया क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयात सुनाई हो तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा वो जवाब देंगे हाँ आए थे मगर अजाब का फैसला काफरों पर चिपका दिया गया यानी अब हमने सुना ही नहीं कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में यहां अब तुम्हें हमेशा रहना है बड़ा ही बुरा ठिकाना है कितने दरवाजे है जहन्नम के भला आठ दरवाजे उनमें से गुजरेगा हर कोई ग्रो दर ग्रो ज़ुमरा ग्रुप्स के फॉर्म में लाइक माइंडेड लोग एक जगह होंगे एक ही एक ही तर्स के लोग अपनी अपने किए के मुताबिक अब सीख अजीना पहले थे ना अल्लाह ताला यहाँ पे पहले तो उनको जब जो सीखल्लाजीना कफर ऊपर और अब सीखल्लाजीन तकबा हम इला, इला जन्नती जुमुरा। अब ग्रुप्स और ग्रुप्स क्या है जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते रहे रुक गए इन्हें ग्रो दर गो जन्नत की तरफ ले जाया, का, जाया का। में इनमें से कर दे यहाँ तक के जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके दरवाजे पहले ही खुले जाएंगे ऑटोमेटिक डोर्स खुद ब खुद खुले जा और उन उनको खोलना नहीं पड़ेगा ना उनको धक्के पड़ रहे हैं ना कुछ खुद ब खुद दरवाजे खुल रहे हैं और कितने दरवाजे हैं जितने आपके लेवल्स हैं नेकियों के लेवल्स के मुताबिक दरवाजे हैं बेशुमार दरवाजे हैं जन्नत के आप सोच लें कितनी नेकियां हैं उसको सोचते जाएं कि जो सदका देता है उसका दरवाजा जो नफल पड़ता है उसका दरवाजा जो जकआत टाइम पे देखता है उसका दरवाजा जो यतीमों का कफालत करता है उसका दरवाजा जो ज्यादा ज्यादा जो, जो जो काम करते हैं उनके वो वो अपनी कैटेगरीज में वहां खड़े होंगे और दरवाजे फिर पहले से खोले जा चुके होंगे तो उसकी तो जाएदा 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 मुझे जो उसके जो गार्ड्स होंगे उनसे कहेंगे सलाम हो तुम पर बहुत अच्छे रहे बच गए आज दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा करें वो कहेंगे शुक्र है उस लागा। उनकी उनका क्या उनका कॉल होगा अल्हमदालहमदुल्लाजी सदक सदा कना अल्लाह का शुक्र जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमें इस सरजमीन का वारिस बनाया कि इस जन्नत का वारिस लामे जन्नत का वारिस बना दे जन्नत में हम जहाँ चाहे रहे अमल करने वालों के लिए कैसा अच्छा है और फिर इसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा होगा उसके बाद वतर मलाई का तुम। और फिर तुम देखोगे फरिश्ते अर्श के हाँ, गिर्द हल्का हल्के बनाए होंगे यही तो एक स्टेडियम जैसे मैंने आपको कहा इमेजिन करें उसके बाद फरिश्ते फरिश्ते हमारे बड़े मददगार हैं फरिश्ते क्या करें उनके पूरे सराउंड किया होगा उन्होंने उसको उस पूरे को पूरे पूरी जगा को और अपने रब की हमद और तस्बी कर रहे होंगे हाफीना मिन हौल अर्श युसअ बिहू नमदी उसके साथ उसकी तारीफ और तस्बी कर रहे होंगे अपने रब की लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा पुकार दिया जाएगा हमद है रब्बुल आलमीन की वकील अल्हमदल्ला ही रब्बिलमीन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के हर दरवाजे से भी पुकारा जाएगा कौन है वो हजरत अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के रस्ते में दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के दस्ते में एक जोड़ा जोड़ा क्या होता है कुछ ही चीज़ का भी दो चीज़ें खर्च करेगा इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाजों से बुलाएंगे आज ही कोशिश करें कोई दो चीजें देने जैसे शलवार है उसके साथ कमीज उसके साथ तो खैर दुपट्टा भी चाहिए मर्दों के लिए शलवार और कमीज दो जो, दो चीजें जोड़ा बना के जन्नत के जन्नत दरवाजों से बुलाएंगे कि अल्लाह के बंदे ये ये दरवाजा अच्छा है फिर जो शख्स नमाजी होगा इसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा जो मुजाहिद होगा इसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा जो रोजादार होगा इसे बाब रियान से बुलाया जाएगा जो जक़ात देने वाला होगा वो वहां से बुलाया जाएगा इस पर अबू बकर ने पूछा मेरी माँ बाप आप पे मेरे मां बाप आप पे फदा हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन दरवाजों में से किसी से दाखिल हुआ उसको इस बात की जरूरत तो नहीं यानी एक से भी दाखिल होना काफी नहीं है लेकिन क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाजों से बुलाया जाए आप ने फरमाया कि हाँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हीं में से होगे सोचे रसूल अल्लाह वसल्लम ने जब ये बात की होगी अल्लाह ताला ہمیں بھی کسی نہ کسی جگہ چن لے اور اپنے کاموں کے سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون Sorry. الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة حامي سورة مؤمن सॉरी मैंने गलत लगा दी हाउजिशहीजबिल्लाश तो रजीम कुरान खुद इतनी बड़ी पावर है बिस्मिल्लाहमानरिम सूरत मोमिन सूरत मोमिन का दूसरा नाम सूरत गाफिर है ठीक है और इसका एक नाम अलता भी है और गाफिर का मतलब होता है गफरा ढांप देना गाफिर और मोमिन आपको पता ही मोमिन क्या होता है आइए सुनते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन तूब तूब शदीद तूब शदीद तूब तूब। हा विम यहाँ से हामीम का सिलसिला शुरू होता है हवाीन सात हवाीन है हामीम सूरते यहाँ से उनका पहली सूरत का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर हम आगे इनशा तला मजीद पढ़ेंगे हा मीम यह किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हुई है यह अल्लाह की किताब है अल्लाह की तरफ से आई है जो गालिब है अल हलीम अल्लाह ताला गालिब है और सब जानने वाला है तो इस किताब का नजूर अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त भी है और रहम करने वाला भी गुना माफ करने वाला जो इसके नाम है गाफिर नंबर वन गुना माफ करने वाला वाबिल तऊब और तौबा कबूल करने वाला सख्त सजा देने वाला शदीद उलकाब और जिद जित तऊल जिद तऊल भी इसका नाम है कि बहुत साहिब फजल बहुत सब फजल करने वाला है कोई मबूद इसके सिवा नहीं उसी की तरफ सबको पलटना है हम सब की वापसी इस रब की जानब है जिसकी ये सारी सिफात हैं अल्लाह की आयात में झगड़े झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफर किया और इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उसकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में ना डाले यानी अगर अल्लाह की आयात का इनकार करने के बावजूद भी ये तरक्की कर रहे हैं और अल्लाह ताला ये इनको अल्लाह ढील देता जा रहा है तो ये धोखा ना खा जाए कि ये कामयाब है ये ना सोचे इनसे पहली नऊ असलाम की कौम भी छुटला चुकी और इसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया ये कौम अपने रसूल पे आ, ज, ज, रसूल पर झपटी ताकि उसे काफरों काफ ताकि उन्हें गिरफ्तार करे अल्लाह माफ कर दे ये कौम अपने रसूल पे झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे और उन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखलाने की कोशिश की मगर आखिरकार आखिरकार मैंने इनको पकड़ लिया कौन कह रहा है अल्लाह तिर देखो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी इस तरह तेरे रब का ये फैसला भी उस सब पे लोग उन सब पे लोगों पर आ, चिपक गया हो के रहा जो कुफर के मुर्तकब हो चुके थे और वो असल जहन्नम वालों में से हो गए जहन्नम के रहने वालों में से आग वालों में से हो गए अल्लाजीना याह मिलून और अर्श ये भी बहुत जबरदस्त आयत आ, आ, आयत आ रही है आया नंबर सेवन वो जो वो जो फरिश्ते हैं फरिश्तों की बात हो रही है वो अर्श उठाए उठाए हुए हैं अर्श इलाही अर्श इलाही के हामिले अर्श, आ, फ, हामिले अर्श जो है जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते जो अर्श के गिरद चक्कर लगा रहे हैं हाजिर हैं पेश हैं हर वक्त पेश रहते हैं सब अपने रब के हमद की तस्वीर इसके साथ कर रहे हैं कैसे और इस पर ईमान रखते हैं कि ईमान वाले जो ईमान लाते हैं यहाँ पे कहा गया जो अल्लाह के करीब तरीन मुकर्रब फरिश्ते हैं वो तस्बी कर रहे हैं फिर हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम हम क्या कर रहे हैं और फरिश्ते हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये नोट करें यहाँ ये अर्श के हामिलीन भी जो अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं वो सब क्या कह रहे हैं वो इस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में दुआ मफ़रत कर रहे हैं ईमान छोटी मोटी चीज़ नहीं है कितना बड़ा अजर और सिला और कितना बड़ा मकाम कितनी बड़ी दौलत है ईमान जो अर्श के पास फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं वो ईमान वालों के लिए दुआएं और उनके लिए मफफरत कर रहे हैं ये और कह रहे हैं कि ईमान के इस पर के ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं रब बना वस वसे तकुल्ला शय रहमा ये दुआ मांग रहे हैं क्या कि ए हमारे रब तू अपने रहमत और इल्म से हर चीज का अहाता कर रखा है लिहाजा जिन्होंने तोबा की और तेरी राह की इतबा किया पैरवी की तू इन्हें बख्श दे और जहन्नुम के अजाब से बचा ले अल्लाह तला ने अर्श के अर्श पे तकरीबन आठ फरिश्ते हैं अर्श हामिली ने अर्श फरिश्ते आठ हैं एक दूसरे को अच्छी और नरम आवाज से जवाब देते इनमें से चार कहते हैं सुबहान अकल सुबह नकवा भी हम दिखाला हिल का बाद का पाक है तू अपनी तारीफ के साथ इस बात पर तू सब कुछ जानने के बाद बहुत हिल्म और बुरदवारी वाला है प्रचार कहते हैं सुबह नकवा भी हम दिखाला उफुविका कुदरती का पाक है तू अपनी तारीफ के साथ इस बात पर के तू कादिर होने के बाद दरगुजर से काम लेता है यानी के तू माफ करने वाला है तो अर्श के जो नबी वम ने फरमाया मुझे ये इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह के अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से किसी फरिश्ते के बारे में बयान करूँ कि इसके कानों की लू ये वाले कान का जहां हम टॉप्स पहनते हैं से लेके कंधे तक का दरमियानी फासला सात सौ साल की मुसाफत है सेवन हंड्रेड ईयर्स तो सोचे फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं अर्श उठा के बैठे ये क्यामत के दिन आठ होंगे और अभी चार हैं क्यामत के दिन आठ होंगे आठ होंगे क्योंकि उस वक्त सब कुछ हिल रहा होगा और हर चीज़ इतनी उसको पकड़ के रखना होगा और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे ए हमारे रब दाखिल कर इनको हमेशा रहने वाली जन्तों में जिनका तूने इनसे वादा किया है और इनके वालदेन और बीवियों और औलाद में से जो साले हों और उनको भी वहां उनके साथ पहुंचा दे यानी उनकी फैमिलीज भी अल्लाह इकट्ठी कर, कर दे तो बिला शुभ कादर मुतलिक और हकीम है और ये वो फैमिलीज होंगी जो एक ईमान पर होंगी तो कम अज अकीदा और ईमान कर ना करें और आखरत में भी के बुरे वबाल से बच जाए से बचा दिया उस पर तूने बड़ा ही रहम किया ये बहुत बड़ी कामयाबी है जालिकल फौजुल अजीम जिन लोगों ने कुफर किया है क्यामत के रोज उनका उनको पुकार कर कहा जाएगा आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है अल्लाह तुम पर उससे ज्यादा गजबनाक और गुस्सा कर रहे हैं उस वक्त होता और उस वक्त होता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे वो कहेंगे हमारे रब तूने वाकई हमें दो दफा मौत और दो दफा जिंदगी दी अब हम अपने कसूरों का इतराफ करते हैं दो दफा मौत दो दफा जिंदगी यानी हम मुर्दा थे फिर जिंदा हुए फिर मरेंगे फिर जिंदा होंगे क्या अब हम यहां से निकलने का कोई रास्ता है जवाब मिलेगा ये हालत यह हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि अब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे और जब उसके साथ दूसरों को मिला लिया जाता था तो तुम मान लेते थे अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग बुजुर्ग और बरतर के हाथ में है माया वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क नाजिल करता है यानी बारिश आती है उगता है खाना ये हमारे से उगता है फिर हमें मिलता है मगर इन निशानियों के सबक सिर्फ वही ले सकता है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है बस ए रजू करने वालों अल्लाह ही को पुकारो अपने दीन को इसके लिए खालिस करके खा तुम्हारा तो ये फेल ये काम काफरों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे रफी उदराजात वो बुलंद वो बुलंद दर्ज़ों वाला फिर आ गया जुल अर्श मालिक अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से रू नाजिल कर देता है रूह क्या यहाँ पे मुराद है यानी कि वही नबूत किताब याद रखिए कि चार चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई हैं क्या क्या अर्श आदम सलाम कलम और जन्नत अदन ये चार चीजें अल्लाह ताला ने बनाई और फिर अर्श जो है वो है कहाँ वो पानी पर है अब यहां से अर्श की क्या बुलंदी है क्योंकि यहाँ के कहा गया बंदों में से जिसे जिस पर चाहता है वो अपनी हुक्म से रून और नाजिल करता है ताकि वो लोगों की मुलाकात से दिन से डराए और जिस दिन सब लोग खुले मैदान में होंगे और इनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी ना रहेगी और और पूछा जाएगा आज हुकूमत किसकी है अल्लाह अकेले की जो सब पर गालिब है तो ये जो है अर्श की कैफियत क्या है इमाम मलिक कहते हैं अर्श की कैफियत मशहूल है मतलब किसी को नहीं पता और ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऊपर कित, ज़मीनें कितनी है सात उसके ऊपर आसमान सात सात आसमानों पे अब फिर आप ऊपर देख लें उनके बीच में कितना ता, कितना टाइम पीरियड पांच सौ साल एक आसमान और दूसरे आसमान में पांच सौ साल का फर्क है फिर उसके बाद जन्नतें हैं जन्नतें कितनी हैं जन जन्नत के कितने दर्जे हैं सौ दर्जे सौ दर्जे के बीच में हर जन्नत के बीच में 200 साल का फर्क अच्छा फिर ऊपर इसके फिर उसके इसके ऊपर अर्श फिर उसके अर्श के ऊपर फिर पा, पानी नहीं पहले पानी पानी फिर अर्श पा, अर्श पानी के ऊपर है फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला है और फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखे कहा है और हम क्या हम किस चीज में हम पड़े हुए हैं हम क्या अल्लाह तला को कितना छोटा समझते हैं आज हर शख्स को उसका बदला दिया जाएगा जो इसने कमाया होगा किसी पर आज जुल्म नहीं होगा बिला शुबा अल्लाह फौन हिसाब लेने वाला है ए नबी इन्हें करीब आ पहुँचने वाले दिन से डराइए जब गम के गम से कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और इस दिन ालमों का ना कोई हमायती होगा ना ऐसा कोई सिफारशी जिसकी बात मानी जाए अल्लाह ताला नजरों की खयानत को भी जानता है या मुखाए न तुल आयुन नजरे कहाँ कहाँ देखनी है देख रही हैं कहीं बुरा देख रही हैं कहीं किसी जगह देख रही हैं या चीटिंग कर रही हैं या कोई किस नीयत से भी कोई देख रहा होता है उस उसकी नजरों का अल्लाह ताला जानता है इन मुखफी बातों को भी जो सीनों में छुपा रखा है क्योंकि नज़र जो है वो धोखा भी देती है नज़र जो है नज़र लग भी जाती है इस तरह और नज़र किस जगह देखना है और कहाँ नहीं देखना ये भी अल्लाह ने मना किया वक दिल बिल्क और अल्लाह ही है जो इंसाफ के साथ फैसला करेगा क्योंकि इंसाफ अल्लाह तला के ही यहाँ होगा कोई और बंदा नहीं दे सकता इंसाफ हम दुनिया में चाहें कि हम खुद इंसाफ कर लें हम इंसाफ नहीं कर सकते अल्लाह को मालूम है और जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते बिला शुबा अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला भी है और जानने वाला भी तो हर चीज का आ, की हिफाजत करना हमारा काम है क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा कि ये लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं इनका क्या अंजाम हुआ और इनसे कुत में भी ज्यादा थे और जमीन में याद यादगारें भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा छोड़ दी यानी कि हर एक के खंडरात भी बाकी हैं अजाब आया चले गए पीछे चीजें अलामते छोड़ गए फिर इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचने का भला कोई ना था ये इसलिए हुआ कि इनके पास इनके रसूल वाजिया वाज लेकर आए थे तो उन्होंने इनकार कर दिया था चुनाचे अल्लाह ने इन्हें पकड़ लिया अल्लाह यकीनन बड़ी कुवत वाला और सख्त सजा देने वाला है फिर हमने वलकद कद और अलबत् तहकीक हमने मूसा को अपने और सही सनत सुल्तान वाजिया इमुबीन देकर भेजा था फिरौन और हानून और कारून की तरफ मगर उन्होंने कहा यह तो साहिर है बड़ा झूठा साहिर उन कज्जाब अल्लाह माफ कर दे एक होता है खाली झूठा और एक होता है कज्जाब इतना बड़ा इल्जाम कि बहुत ज्यादा झूठा मगर उन्होंने कहा कि साहिर है कज़ाब फिर जब वो हमारी तरफ से हक लेकर आया लेकर आए तो उनके पास पास आया उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं इन सब के लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जीता छोड़ दो जिंदा छोड़ दो, मग, दो मगर काफरों की चाल अकारत ही गई ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी इम्तिहान था इनका मगर काफरों की चाल अल्लाह तला ने खत्म कर दी इस अजमाइश को खत्म कर दिया अल्लाह चाहे तो उस आजमाइश को खत्म भी कर सकता है एक रोज फिर ने अपने दरबारियों से कहा अब यहाँ एक वाक्य फिर का शुरू होता है एक रोज फिर अपने दरबारियों से कहा छोड़ो मुझे मैं इस मूसा अल इस्लाम को कत्ल किए देता हूँ और पुकार देखे ये अपने रब को यानी कितना बेबस था कि वो अपने लाओ लश्कर अपनी फौजें अपनी दौलत जो अपने लोग हमायती लोग कहते हैं लाओ उसकी प्रोटेक्शन में रहता था हर वक्त डेस्परेट था कि बस मूसा अल इस्लाम को खत्म कर दे छोड़ो मैं इस, इसे कत्ल करूं और पुकार देखे ये अपने रब को मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा और मुल्क में फसाद करेगा छोड़ो इसलिए कहता है कि उनकी प्रोटेक्शन में था ना बहुत वो रोकते थे वक, वकाला मूसा अब यहाँ पर बड़ा जबरदस्त डायलॉग आता है मूसा इस्लाम का कि जब मैंने इस एक्चुअली चैलेंज है किस्म का कि कहा वकाला मूसा और मूसा इस्लाम ने कहा इनकी उज्तू कि मैंने अपने और तुम्हारे रब से हर ऐसे मतकब्र से जो योम हिसाब पर ईमान नहीं रखता बना ले ली है यहाँ पर अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा हो या आपको किसी से ख़तरा हो तो ये आयत है आया नंबर ट्वेंटी सेवन सूरत गाफिर की सूरत मोमिन की कि जुल्म का खौफ हो तो ये या तकब्बर कोई कर रहा हो या कोई औलाद ऐसी हो या कोई ऐसे जाबर कोई बंदा ऊपर हो तो ये ये पढ़ने के लिए अल्लाह तल्ला तुद ये आयत दे दी बड़ी जबरदस्त आयत है ने कहा मैं मैंने तो हर मुतकबर के मुकाबले में जो योम हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने रब और अब रब की पना ले ली है फिर में से एक मोमिन शख्स रजुल जो अपना ईमान छुपाए हुए था वो बोल उठा आप देखिए कि अल्लाह सुबह तीन की दिफा कैसे करते हैं कि फिर की कौम में से कोई उनका लगता है कोई कोई रिश्तेदार था तो वो बोल बोल उठता है क्या तुम इस एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल करो उसका डायलॉग सुने कि सिर्फ तुम इसको इसलिए कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है बस ये बात के ये कह रहा है तुम्हें अक्ल नहीं यानी कि हालांकि हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बैनात लेकर आ रहा है यानी कि वो तो तुम्हें मोजे भी दिखा रहा है फिर भी वो और तुम नहीं मान रहे और वो खुद से नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से पैगाम कहता है कि लेके आ अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद इसी पर पलटेगा लेकिन अगर वो सच्चा है तो तो जिन हौलनाक नतज का वो तुमको खौफ दिला रहा है इनमें से कुछ तो तुम पर भी जरूरी आ जाएंगे अगर वो सच्चा है तो ये सब कुछ हो जाएगा अब ये एक राजोमिन था जो अपना अपना ईमान इसने छुपाया हुआ था और ये बिल्कुल ऐसी बात करता है ना उनकी बात करता है तरफदारी ना अपनी तरफदारी और ऐसा ऐसे बीच की बीच की राह इख्तियार कर देता है तो ऐसा काम भी करना जायज़ है और फिर इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि जैसे नजाशी ने अपना दीन छुपाया हुआ था कि नहीं बताया था ऐसे आप में से भी कोई भी अपने दीन को जब तक चाहे छुपा कर भी अप, प्रैक्टिस कर सकता है उसको ज़रूरी नहीं है उसको अल्लाह ताला जब वक्त दे टाइम दे कि वो उसमें एडजस्ट होता जाए जरूरी नहीं होता कि उसी दिन उसको कह दिया जाए भाई आज ही तुम नमाज पढ़ो आज ही तुम ऐलान कर दो नहीं वो दिल में भी रखता है ये बीराजुल ने भी दिल में रखा था उधर आप दूसरी एग्जाम्पल भी मैंने आपको नजाशी ने भी अपने दिल में रखा था और सोचिए कि ये क्या कहता है कि ये यानी दो में से अगर एक बात है या मूसा सच्चे हैं या तुम अगर मूसा सच्चे हैं तो क्या होगा फिर तुम्हारी शामत आएगी और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो नाउस बिल्ला तो अल्लाह ताला तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना उसके झूठ बोलने से सुबहान और फिर कहते हैं अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर गुजर जाने वाला और कज़ाब होता है ऐ मेरी कौम के लोगों आज तुम्हें बादशाह हासिल है और जमीन में तुम गालिब हो लेकिन अगर अल्लाह का अजाब तुम पर आ गया तो फिर कौन है जो तो हम तुम्हारा हमारी हम, हमारी मदद को आ सकेगा साफ बात कहता है फिरौन ने कहा मैं तुमको लोगों को तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे मुनासिब आती है और मैं इस रस्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ जो ठीक है यानी कि मैं खुद ही तुम्हें यही मेरा ही दस्ता और मेरा ही तरीका बेस्ट है। वो शख्स जो ईमान लाया था उसने कहा, ए, 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 मेरी कौम के लोगो मुझे खौफ है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है जैसा दिन नौमू आद समूद और इसके बाद वाली कौम सलाम पर आया था और यह हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता फिर पढ़ा लिखा शख्स था पिछली कौमों के बारे में कोई भी जानता था काफी कुछ जानता था यह कौम डर मुझ, मुझे डर है कि कहीं तुम पर फरियाद फर्या, फरियाद फगा का दिन ना आ जाए क्यामत का दिन तुम पर भी ना आ जाए जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे मगर उस वक्त अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा और इस और इसके बाद कहता है सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे फिर इसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं इससे पहले यूसुफ अम के पास ये निशानियां लेकर आए था तुम्हारे पास बयनात लेकर आए थे मगर तुम उनकी लाई हुई पड़ गए और जब उनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा कि अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल ना भेजेगा इस तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराह कर डालता है जो हद से गुजरे हुए होते हैं तो अल्लाह ताला ने एक अपना निज़ाम सारा सामने किया हुआ और शक्की होते हैं शक शक वाले और अल्लाह की आयात में झगड़ा करते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई सनद कोई दलील हो यह रवैया अल्लाह और ईमान लाने वालों के नज़दीक सख्त मकबूज़ है अब पसंद नहीं अल्लाह तला को इस तरह अल्लाह हर मतकबर और जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देता है क्योंकि वह सुनना नहीं चाहता फिरौन बोला ए अमान मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं रास्तों तक पहुंच पहुँच सकूँ आसमानों के रास्तों तक मूसा इस्लाम के खुदा को झांक कर तो देखूं मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है इस तरह फिर के लिए उसकी बदमली खुशनुमा बना दी गई और आय रास्ते रोक दिया गया फिरौन की सारी चालबाजी उसकी अपनी तबाही के रास्ते में ही सर्फ हुई फिर वो शख्स दोबारा दो बार आ, ये हदायत लेकर आता है काल लजी आमन कितना खूबसूरत यहाँ पे ये यह फिर जुमला कहता है वो शख्स जो ईमान लाया था बोला ए, मेरी कौम के लोगो मेरी बात मानो मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ यानी पीछे चलो फिर ओन के पीछे नहीं या कौमी इन हाजिल हयात मताउन कहता है कि ये है ये है लोगो ये दुनिया बस चंद दिन की फायदे उठाने की जगह है ये मता है कौन सी और हमेशा की करार जाग जग की जगह हमेशा रहने की जगह घर क्या है आखरत का है जहाँ सुकून इत्मीनान अल्लाह ताला ने हमें देना है इंशाल्लाह जो बुराई करेगा उसको इतना ही बदला दिया जाएगा जितनी उस बुराई की की होगी और जो नेक अमल करेगा जो नेक अमल करेगा ख्वा वो मर्द हो या औरत बशरत वो मोमिन हो ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहाँ उनको बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा ए लोगो आखिर यह क्या माजरा है कि मैं तो तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो तुम तो मुझे इस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफर करूं और उसके साथ उन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं मैं जानता नहीं हालांकि मैं तुम्हें इस जबरदस्त मफरत करने वाले की तरफ बुला रहा हूँ नहीं हक है इसके खिलाफ नहीं है नहीं हो सकता जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखरत में और हम सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं आज जो कुछ हो रहा है अल्लाह यहाँ पे एक दुआ भी बीच में मैंने पढ़ दी व उफविद आया नंबर फोर्टी फोर में अब आ रही है जो अल्लाह उफ... ताला फरमाते हैं फसतज करूँ न माकूलू जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ अनकरीब तुम्हें इसे याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ व उफविद अमरी मैं अपना जो आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ अनकरीब वह वक्त आएगा जब तुम याद करोगे लेकिन मैं अपना मामला अल्लाह के तपुर्द कर रहा हूँ बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है इन लोगों ने जो चालें इस मर्द मोमन के खिलाफ चली थी अल्लाह ने इनसे इसे बचा लिया और आले फ़िरन खुद ही बुरे अजाब में गिर गए वो सुबह और शाम आग पर पेश किए जाते हैं और जिस दिन की आमद कायम होगी तो हुक्म होगा कि शायद शदीद तरीन अजाब आले फ़िरन को दाखिल करो ये है अजाब कबर लोग पूछते हैं ना अजाब कबर कौन सी आयत में है ये है जी अद दोजक का अजाब है जिसमें वो सुबह शाम पेश किया जा रहा है आग कब की लगी हुई कब का वो डूबा हुआ है और दोजक की आग धूप गर्मी सबसे ज्यादा शदीद सिक्सटी नाइन मरतबा ज्यादा तेज अल्लाह सत्तर दफा धुल की आई है दुनिया की आग सत्तर मरतबा धुल के हमारे तक पहुंची है अल्लाह माफ करते और जब वो जहन्नम में एक दूसरे पर झगड़ेंगे तो कमजोर लोग मुतकबरी से कहेंगे हम दुनिया में तुम्हारे तुम्हें तुम्हें फॉलो करते थे तो क्या अब तुम जहन्नम के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे हटाकर हमारे किसी काम आओगे वो तकबर करने वाले जवाब देंगे हम सब इसी में पड़े हैं और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है जो लोग जहन्न में होंगे वो जहन्नम के मुहावजों उनके चौकीदारों को उनके गार्ड्स को से कहेंगे क्या करें कहेंगे अपने रब से दुआ करो कि वो एक दिन तो हमारे अजाब में कुछ हल्कापन कर दे तकफीफ कर दे यानी कि कुछ तो हमें कुछ हमें थोड़ी मोहलत मिल जाए कुछ देर के लिए हमारा खलका हो जाए क्योंकि कबर आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है अगर वहां निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल इससे ज्यादा आसान हो जाएंगे अगर वहां निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहल भी दुशवार हो जाएंगे रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं कबर का मंजर इन सबसे हौलनाक है अल्लाह में कबरस के हौलनाकियों से और कबर के अजाब से बजाय वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाजिया दलायल लेकर नहीं आए थे जहनमी कहेंगे क्यों नहीं जरूर आए थे तो वो कहेंगे फिर तुम तुम खुद दुआ कर लो ना और काफरों की दुआ तो ज़ाया ही हो जाने वाली है हम यकीन हम यकीन अपने रसूलों को और इन लोगों को जो ईमान लाएं दुनिया और की जिंदगी में भी मदद करते हैं अंडरलाइन कर लें अल्लाह जरूर मदद करता है अपने काम करने वालों को और इस दिन भी करेंगे जब गवाही गवाह खड़े होंगे जिस दिन ालमों को इनकी माजरत कुछ भी काम ना आएगी कुछ फ़ायदा ना देगी और इनके लिए लानत है और बुरा घर है सूदार है और हमने मूसा लाम को हदायत की और बनी इसराइल को किताब यानी तोरात का वारिस बना दिया और अहरे अकल के लिए हदायत और नसीहत थी बस आप सब्र कीजिए फस बिर इन नवाद ही हक बेशक बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है अपने गुनाह की माफी मांगिए सुबह और शाम वस, भी भी बस का वल अबकार सुबह और शाम अपने रब की हम से इसकी तस्बी कीजिए जो लोग बगैर किसी सनत के जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयात से झगड़ा करते हैं इनके दिलों में तकबर भरा हुआ है मगर वो इसकी बड़ाई को को मानते नहीं हैं, को पा नहीं सकते जो आरजुए रखते हैं ये इनके दिन में जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है आ, लिहाजा आप इनकी शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगिए फस्ताइ बिल्ला इन्ना सवी उल्बसी क्योंकि वो बिला शुबा सुनने वाला है और जानने वाला है यहाँ पर शैतान की शरारतों से कहा गया शैतान वसफ़सा डाल सकता है बस वो आके आपको चेंज नहीं करा सकता तो शैतान के वसफ़सों से हमेशा पना मांगने के लिए अपने आप को तैयार रखें वज़ू करके सोएं जैसे रात का वज़ू है वो करके सोएं शैतान कहाँ कहाँ पना आप ले सकते हैं वहाँ ही मांगें घर के अंदर एंटर हों सलाम करें आउज़ बिल्ला पढ़ के काम करें और जो भी काम कर सकते हैं शैतान की पना से जैसे रुकिया लगाना सूरत अलबकर का पढ़ना वो सारे सारी आयता ये जो है मोज़तें उनका एहतमाम करना ताकि शैतान के वसवसों से हम बच जाए अलखल कुछ समावाती वल वलअर्थ ज़मीन और आसमान के पैदा करना इंसानों के पैदा करन, करने से ज्यादा बड़ा काम है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और नाबीना और, और बीना देखने वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं हो सकते और जो लोग ईमान लाएं और अच्छे अमल करें और बद किरदार और या नसीहत करने वाले अमल करने वाले अच्छे और नसीहत करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते तो बात यह है कि अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं और अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने का अपने इरादे सही करो अपनी ख़ताओं पे माफी मांगो सब्र करो और फिर इस इख्तियार करो इसके बाद बिलाशुबा इन्सा तया तो लाई ला बफी बिलाशुबा क्या आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते काला रबनी आपके रब ने फरमाया मुझे पुकारो मेरे मेरे तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा जो लोग मेरी इबादत से नाक नाक मुंह चढ़ाते हैं अनकरीब जलील और अखबार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे यहाँ पे फायदा दुआ फायदा देती है हर हाल में फायदा देती है इस बात को पकड़ लेना चाहिए कि वो कुछ भी टल नहीं सकता उसकी दुआ के बगैर और अल्लाह ताला तला मरतबा वो जो काम उसने करवाना भी होता है उसकी भी दुआ आपके दिल में डाल देता है और अल्लाह को महबूब है कि उससे दुआ मांगा जाए और अल्लाह ताला को ना पसंद है अल्लाह नाराज होता है जो बन, जो लोगों से सवाल करता है और अल्लाह से अल्लाह से नहीं मांगता तो सबसे पहले क्योंकि मज़लूम की दुआ से बचो ख्वा वो काफिर ही क्यों ना हो क्योंकि मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रकावट पैदा कर देती है बद दुआएं भी नहीं लोगों से लेनी चाहिए और रसूल अल्लाह फरमाया तू जब कोई मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह या कतः रहमी की बात हो तो अल्लाह तला तीन बातों में से एक इसे ज़रूर अता कर देता है या तो वो दुआ उसके मुताबिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देती की दी जाती है या दुआ आखरत के लिए रख दी जाती है जखीरा कर दी जाती है या दुआ के बराबर इससे कोई मुसीबत डाल दी जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्ज कसरत से दुआ किया करो अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं अल्लाह को पता है गुना और कतारहमी की बात ना करा ना खबो उसके अंदर तो फौरन दुआ कबूल है ये बात याद रखने की है हर हाल में कबूल है कोई मुसीबत डाल जाएगी कोई कोई अल्लाह नेमत नियमत ताफरमा देगा और दुआ मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है वो जात अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम कर सको और दिन को रोशन कर रोशन बनाया अल्लाह ताला तो यकीनन लोगों पर बड़ा ही साहिब फजल है लेकिन अक्सर लोग ना शुक्र हैं ये है तुम्हारा रब जालि कुम रबु खालिकु कुल्ली इलाहा इल्लाहु तो फकून ये है तुम्हारा रब जो हर चीज का पैदा करने वाला है हर चीज का पैदा करने वाला और क्या है इसके सिवा कोई इला नहीं फिर तुम कहाँ से बहके के जाते हो आप रोज सोचें कहा मैं लाई ला पढ़ती हूँ मेरे कौन से कलाम में ला लाला सुबह जैसे उठते हैं ना तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने सुबह उठे तो आपने दस दफा लाई लाई लादरी मुल्क हम जहाँ जहाँ ला ए ला ए ला है ना वो सोचें मैं कहाँ कहाँ ला ए ला ए ला पढ़ती हूँ कितनी दफ़ा दिन में याद करती हूँ इसी तरह वो लोग बहकाए जाते हैं जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया करते हैं अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार और आसमान को छत बनाया तुम्हारी सूरतें बनाई तो नहायत ही उमदा सुवरकुम बहुत ही जबरदस्त बनाई आसन बनाई तुम्हारी सूरतें तुम्हें पाकिजा चीजों का रिस्क दिया लेकिन हमें तो कोई पसंद ही नहीं आता जितना रिस्क है हम कहते हैं अल्लाह ताला ये रिस्क हमारे लिए काफी नहीं जो सूरत है वो हम कहते हैं ये हमें पसंद ही नहीं और ये इन सिफात का मालिक है तुम्हारा रब जो बड़ा बाबरकत बर्क, बड़ा बरकत देने वाला और तमाम जहानों का रब है फते बार रबालमीन बरकत वाला रब वही है अलह जिंदा, लाला और फू मुखल अलाउद्दीन क्या प्यारी आयत है अल्हमदी रबालमीन आया नंबर सिक्सटी फाइव वही जिंदा है उसके सिवा कोई मबूद नहीं उसी को तुम पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिश करके सारी तारीफ अल्लाह रबुल आलमीन ही के लिए है कुल्न ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए कि मुझे तो इन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो यानी कि मैं तो इनको नहीं बुला सकता अल्लाह को पुकारना इबादत है एक्चुअली गैर अल्लाह को पुकारना शिरक है मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बीनात आ चुकी हैं मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। दू झुका दू अपना सर सजदे में मैं अस उस लिमरुले रब्बिल आलमीन मुझे तो ये हुक्म है वही तो है जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुतफे से फिर लोथड़े से पैदा किया और फिर तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है फिर ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ फिर तुम में से किसी को पहले वफा फौत आ, मौत आ जाती है और ताकि वो इस मुद्दत को पहुंचो जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है ताकि तुम अकल से काम लो वही तो है जिंदा करता है और वो मौत देता है फिर जब वो किसी फैसला फैसला का कर लेता है तो बस इसे इतना ही कहना होता है यकूलु लहू कुन, कुन बस उसे, उसने तो यही कहना है कि हो जा तो वो हो जाता है आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयात में झगड़ते रहते हैं झगड़ा करते रहे वो कहाँ से बहकाए बहकाए बै, जाते हैं कहाँ से फिरे जाते हैं इन लोगों ने इस किताब कुरान को भी जुटलाया और इनको भी जो हमने रसूलों को देकर भेजी थी अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जबकि इनकी गर्दनों में तोक पड़े होंगे और ऐसी जंजीरें बिहोन, जंजीरें जिसमें से वो खोलते पानी में घसीटे जाएंगे अल्लाह माफ कर दे जरा इमेजिन करें जंजीरें और उससे घसीटे जा रहे हैं फिर जाननों में झोंक दिए जाएंगे फिर इनसे पीछा इनसे पीछा पूछा जाएगा कहाँ हैं वो जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक बनाया करते थे अल्लाह के सिवा वो कहेंगे वो तो हमसे बुल, दिए गए बल्कि हम तो इससे पहले किसी चीज को भी पुकारते ही ना थे अल्लाह इन इस तरह को भूल भुलाइयों में डाल देता है तुम्हारा ये अंजाम इस वजह से है कि तुम किसी माकूल वजह से किसी दलाइल किसी प्रॉपर रीजन की वजह से बगैर जमीन पे फूले ना समाते थे और अकड़ अकड़ कर चलते बिमाकुन तुम तम राहून तुम अकड़ के चलते थे और जहन्नुम के दरवाजों में अब अब तुम्हारा क्या ठिकाना है अब तुम यानी कि तुम्हारी किबरियाई जो थी तुम अपने आप को बड़ा समझते थे यहां पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बात याद आ गई उन्होंने फरमाया था कि किबरियाई मेरी चादर है अजमत मेरा आजार है और जिसने ये खींचने की कोशिश की मैं इसे जहन्नुम में डालूंगा कि बड़ापन तो मैं ही मैं इस कि मैं बड़ा बनू और जो मेरी मेरी जगह कोई मेरा आके लेना चाहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ये भी हदीस हदीस है राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा आजकल तो चाट बना रहे हैं चीजें डाल रहे हैं दालें पका रहे हैं राई को दाना उठा के कभी सिर्फ गौर व फिक्र करें कि उस दाने के बराबर भी तकबर होगा तो जन्नत में दाखिल ना होगा हमें हम क्या सोच के बैठे हैं और जहन्नुम जहन्नुम की तो हौलनाकियाँ ही इतनी हैं जन्म में एक जहनवी सांस सिर्फ लेगा तो पूरी मस्जिद जल जाएगी जिस एक मैं मस्जिद नबी की बात कर रही नबी करी नबीम ने उसकी मिसाल दे के कहा था कि अगर एक जहनवी आके मस्जिद में आके यहाँ बैठ जाए तो पूरी जहन्नम मस्जिद जल जाए ये है तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वस बिर आया नंबर सेवनटी सेवन में अल्लाह ताला इसके बाद सारी बात करके पस ए नबी सबर कीजिए अल्लाह का वादा सच्चा है यानी कि इस राह में आने वाली मुश्किल आएंगी अब ख्वाह हम तुम्हारे सामने ही इनको बुरे नतज का कोई हिस्सा दिखा दें जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं या उससे पहले तुम्हें दुनिया में उठा लें पलट कर आना तो इन्हें हमारी ही तरफ है ए नबी सब पहले हम आपसे पहले हम आपसे पहले बहुत से रसूल भेज चुके हैं हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं यहाँ पर जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए हैं और बास के नहीं बताए यानी इलम अभी भी नहीं दिया सुबह अल्लाह किसी रसूल की भी ये ताकत नहीं थी अल्लाह के इजन के बग़ैर खुद कोई निशानी ले आता फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया और उस वक़्त गलत कार लोगों खसारे में पड़े होंगे अल्लाह ही ने अल्लाह ही ने ये तुम्हारे लिए मवेशी जानवर बनाए हैं ताकि इनमें से तुम पर तुम किसी पर सवार हो और किसी का तुम खाओ किसी को गोश्त खाओ और नेज़ तुम्हारे लिए इसमें और भी फायदे हैं जो जरूरत तुम्हारे जी में आए इसके लिए इस पर सवार हो कि वहां पहुंच जाते हो नेज इन पर और किश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखा रहा है फिर तुम इसकी किन किन निशानियों को इनका इनकार करोगे फ़्या तुन तो किरून मुनकर हो जाओगे इन निशानियां देख के अर्थ क्या इन लोगों ने जमीन पर चल फिर फिर कर नहीं देखा देखा नहीं कि ये जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं इनका क्या अंजाम हुआ वो तादाद में भी इनसे ज्यादा कुवत में भी इनसे सख्त जमीन में अपने आसार छोड़ने में इनसे बढ़कर थे मगर जो वो कर रहे थे ये सब चीजें उनके काम ना आ सकी फिर जब इनके रसूल इनके पास वाजिया दलाए लेकर आए तो जो इल्म इनके पास था वो इसी में मगन रहे कौन सा इल्म इनके पास था यानी जो हकीर दुनिया का इल्म ये लेके बैठे थे जो नॉलेज इनको दिया गया था जिस नॉलेज का इनको पता था उसी को लेकर ये बैठे थे वहा कभी हिम माँ कानू भी यज फिर इसी चीज के फेरे में आ गया जिसका वो मजाक उड़ाया थे वो इतराते रहे खुश होते रहे अपने इस इल्म पर बहुत स्केरी आयत है। आया नंबर एटी थ्री का और जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे हम अल्लाह के अकेले पर ईमान लाए और जिन्हें हम अल्लाह के शरीक ठहराते थे, थे इनका इनकार करते हैं मगर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो इनका ईमान इनके कुछ फायदे का ना हुआ अब ईमानी सुन्नत अल्लाह खलत सुबहान अल्लाह यही सुन्नत इलाही है जो हमेशा इसके बंदों में जारी रही है कि इस अजाब के मौके पर काफिर लोग खिसारे में पड़ेंगे जब अजाब देख लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस अजाब का तो अल्लाह ताला से हम दुनिया में ही माफिया मांग लें तो ज़्यादा बेहतर है इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने में ही हमारी जो है हमारी खैर है अवज़ बिमान सूरत हामीम सजद बसमिल्ल रही हामीम तंगज़ी रहीम फुस्लत आ या तोहु क़ुरआन लिकौमिन यालमून या हामीम से यह सूरत का नाम फस्सिलत है इसका मतलब है खोल खोल कर बयान करना फुस जैसे अस... कोई असूलों को खोलता है कोई बातों को खुलता है बड़ी प्यारी सूरत है एक रवायत के मुताबिक उतबा बिन रबी जो थे जो कुरेशी सरदार था आप सल वसल्लम के पास आया कुरेष में के जो जो तस्करे हो रहे थे जो बातें हो रही थी उनके उनसे वे मरवूब होके कि कैसे ये नबी सी सल्लम कौन सी तबलीग कर रहे हैं तो आके ऑफर करता है नबी सो कहते हैं अगर तुम्हें माल और दौलत चाहिए तो हम तुम्हें देते हैं कौन कहता है उतबा बिन रबिया कहता है मैं तो माल चाहिए मैं ये माल ले लो अगर तुम्हें अग, अगर तुम्हें कोई औरत चाहिए रियासत चाहिए मक्का की रियासत या इससे बड़ा कोई घराने में शादी करना चाहते हो तो वो ले लो अगर तुम्हें कोई जिन भूत पड़ चमड़ गया है तुम्हें कोई जातू है तो तुम्हारा इलाज करवा देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की आयत तिलावत की थी आप सुने इस नीयत से कि अल्लाह ताला ये कलाम पेश कर दिया उनके सामने और के, के मोहम्मद को या तो सहर है या ये लालची है अल्लाह ताला ने कहा इनको सुनाओ बिमिल्लर हामीम तंज़ील उमरहन रहीम अब सोचें अल्लाह ताला उस वक़्त कैसे इनकी जवाब देते हैं बातों का यानी ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोल कर बयान की गई है यानी सबकी समझ में आने वाली अरबी जुबान का कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला डराने दे डरा देने वाला मगर इन लोगों में से अक्सर ने इसकी रूगरदानी की है यानि मुंह मोड़ लिया और वो सुन कर नहीं देते है। कहते हैं जिस चीज की तरफ तू हमें बुला रहा है इसके लिए हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़े हुए हैं यानी कि हम हमारे कान बंद हैं गुजाइश ही नहीं सुनने के लिए दिल भी बंद हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तेरे दरमियान तो क्या है गुलाफ है एक हिजाब है यानी इस दीन की दावत ने हमारे दरमियान जुदाई डाल दी है तो अपना काम कर और अपना, हम अपना काम किए जाते, जाते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए हम तो ए, ए, मैं तो एक बशारत देने वाला हूँ तुम जैसा मुझे ऐसी मुझे वही के जरिए बताया जाता है यानी कि मैं क्या आया हूं मैं तो एक बशारत देने वाला इंसान हूं मुझे वही किसी जरिए बताया जाता है कि तुम्हारा इलाह तो बस एक ही इलाह है कि तुम्हारा इलाह तो एक है तुम सीधे उसी की रुख करो उसी की तरफ रुख करो और इसी से माफी चाहो तबाही है उन उन के लिए जो जकआात नहीं देते और आखरत यानी कि पाक नहीं करते अपनी जान को या माल का या अकीदे की पाकी नहीं इख्तियार करते और आखरत के मुनकर हैं रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक का माल किए उनके लिए यकीन ऐसा हाजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है ए नबी वसमिन इनसे कहिए क्या तुम उस खुदा से कुफर करते हो और दूसरों को उनका ठहराते हो जिसने जमीन को दो को दो दिनों में बनाया है यानी कि ये अल्लाह ताला अब अपने तखलीक के बारे में बता रहे वही तो सारे जहान वालों का रब है अल्लाह ताला फरमाते इसे जमीन के ऊपर मजबूत पहाड़ बना दिए इसमें बरकत रखी और ठीक अंदाजे से चार दिनों में कुतें रख रख दी ये जमीन सब हाजत मंदों के लिए यकसा है अल्लाह तला ये बता के क्या बताना चाह रहे हैं कि दो दिन में पहले बनाया फिर चार दिन फिर इसमें यह बताया कि तखलीक अल्लाह तला की हिकमत के साथ आती है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप तो हौसला रखना चाहिए हर चीज का हौसला होता है एक काम को तहम्मल से तहमुल मजाजी थे क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है और तहम्मल मजाजी अल्लाह की तरफ से सो मस्तवा। और फिर वो आसमान की तरफ मुतवजा हुआ और इस वक्त धुआं था और उसने आसमान और जमीन से कहा कि वजूद में आ जाओ हुआ तुम चाहो या ना चाहो दोनों ने कहा हम फर्मा बरदारों की तरह आ गए फिर उसने दो दिनों में सात आसमानों आसमान बना डाले और हर आसमान में उस, उसका कानून का, कानून वही वह, वही नाजिल किया और हमने आसमान को चिरागों से सजाया आसमान का क्या है स, अंधेरा था ना तो अल्लाह ताला ने सतारों से उसको सजा दिया और हिफाजत का काम लिया नंबर नम, दो और ये सब गालिब और हर चीज के जानने वाले की मनसूबा बंदी है फिर अगर वो एराज करें तो आप कहिए कि मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूँ जैसे कौम आद और समूद पर गिरी थी जब इनके पास इनके आगे से पीछे से रसूल आए और अल्लाह की सिवा किसी की इबादत ना करो ये कहा तो कहने लगे कि अगर तुम्हारे तुम्हारा रब, रब चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता लिहाजा तुम जो पैगाम देकर भेजे गए हो हम इसका इनकार कर रहे हैं रहे आज उन्होंने मुल्क में ना हक तकबर किया और कहने लगे हमसे बढ़ बढ़कर ताकतवर कौन है क्या उन्होंने ये ना देखा कि जिसने इन्हें पैदा किया वो इनसे यकीनन ज्यादा ताकतवर है वो अमदन यानी जान के हमारी आयात का इनकार करते रहे और फिर हमने इन पर चंद मीखों वाले कीलों वाले सॉरी हमने हमने इन चंद मनहूस दिनों में सनाट, आ, स, सनाटे की आंधी छोड़ दी मन, ऐसी सरसारन फी नह, आ, नही इन यानी कि ऐसी मनहूस और ऐसी आंधी नहुसत जो थी वो कौम आद की नस्बत से थी कि इस दिन लाही दो चार होने जब दो चार हुए वो उस दिन तो उस दिन वो बहुत मनहूस उनका दिन था और इन्हें दुनिया में ही में रसवाई का अजाब चखाएं और जो आखरत का अजाब है वो तो और भी ज़्यादा रसवा करने वाला है और इन्हें कहीं से भी मदद भी ना मिलेगी रे समूद तो इन्हें हमने सीधी रा सीधी राद दिखाई मगर उन्होंने राह देखने के मुकाबले में अंधापन मंजूर किया आखिर इन्हें कड़क की सूरत में जिलत काजाब ने आ पकड़ा जो इनकी करतूतों का बदला था और हमने इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और नाफरमानीब से बचते रहे हैं बकानुन योमा यु शरु आदा और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन जहन्नम की तरफ हाँ कर ले लेकर जाएंगे तो इन्हें रोक लिया जाएगा यहाँ तक के सब जब सब जहन्नुम के करीब आ पहुँचेंगे तो इनके कान इनकी आँखें और इनकी खालें तीन चीज़ें हैं जो बहुत खतरनाक है हमारी जो हमारे गुनाह भी ज़्यादा करती हैं आँखें कान और खालें स्किन्स के खिलाफ गवाही देंगे जो अमल वो किया करते थे और वो अपनी खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी वो कहेंगे हमें इसी अल्लाह ने क़ुत गवाही दे दी थी हमें ज़ुबान लगा दी थी जिसने हर चीज़ को गवाही दे दी यानी कि हमें उस हर चीज़ को ज़ुबान लगा दी आज उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और उसकी तुम जब तुम, तुम गुनाह करते थे तब तुम्हें नहीं पता था बल्कि तुम तो ये ख्याल करते थे कि जो कुछ तुम करते हो इनमें से अक्सर बातों का अल्लाह ताला जानता ही नहीं वो देख ही नहीं रहा अल्लाह अकबर तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के मुतल कर रखा है अंडरलाइन कर लें अल्लाह के मुतल जो जो आपने गुमान किया हुआ है वैसे ही अल्लाह ताला आपके साथ सलूक करेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि हम अल्लाह बड़ा गफूर रही हैं और रहीम है और अल्लाह ताला हम पे हम कोई मुआवजा ही नहीं करेगा नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है वैसा ही इसका गुमान के मुताबिक इसका सलूक करूंगा लेकिन इसको उस चीज से गुजरना होगा जिस चीज से वो करके आया जो करके आया भुगतना होगा तुम्हें ले डूबेगा वो मुतलिक कर रखा था तुम्हें ले डूबा और तुम खसारा पाने वालों में से हो गए अब अगर वो सबर करें और या ना करें अगर आग ही इनका ठिकाना है अगर वो तोबा करना चाहें तो इनकी तौबा कबूल नहीं होगी क्योंकि टाइम पास हो गया वहां चले गए अब हमने इन पर कुछ ऐसे हम नशीन यानी साथी इनके ऊपर मुसलत कर दिए जो आगे से पीछे से इनके सारे काम खुशनुमा करके दिखाते थे चाहे वो जिनों में से थे चाहे वो इंसान शैतान के बारे में बात हो रही है चुनाचे इन पर भी वही साबित हो गया जो इनसे पहले गुजरे हुए जिनों और इंसानों पर साबित हो चुका था यानी ये कि वही खसारा उठाने वाले हैं काफिर एक दूसरे से कहते हैं कि इस कुरान को ना सुनो और इसे पढ़, पढ़ा जब पढ़ा जाए क्या कहते हैं काफिर आया नंबर ट्वेंट ट्वेंटी सिक्स की बात कर रही हूँ काफिर कहते हैं कि कुरान को मत सुनो जिस वक्त, जिस वक्त ये पढ़ा जाए खूब शोर मचाओ अल्लाह अकबर और यहाँ पे धाक एक बहुत बड़े आ, वो हैं मुफसरे कर, कुरान वो कहते हैं कुरान पढ़ा जाए तो कसरत से बातें करो वो कहते थे जो कुछ पढ़े ताकि खल्त मल्त हो जाए और सोच लें आज दोबारा ये आयत पढ़ूंगी आया नंबर ट्वेंटी सिक्स और काफिर ये कहते हैं क्योंकि काफिर जो थे वो चाहते नहीं थे ना कोई कुरान सुने ना पढ़े और आजकल देख लें इतना भारी लगता है कोई मुझे कहता है आप इतनी देर तक बैठी रहती हैं आप इतनी देर तक कुरान पढ़ाते हैं ये कुरान पढ़ने का अगर किसी को अजर पता चल जाए और ये जो बैठे हैं आप लोग जो आप पूरे टाइम बैठ के सुन रहे हैं चाहे कोई भी ना सुने कोई भी ना सुने फिर भी अल्लाह ताला ने सुना आप सोचें कुरान ऐसी चीज है कि इस सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज है कोई किताब ऐसी नहीं है जो दुनिया में इतनी हिफ्स की जा रही हो और खास तौर पे इस महीने में अल्लाह ने अपनी जिंदा रखना है इसकी हिफाजत करनी है तो अल्लाह तला ने उन लोगों को भी ले आता है जो बैठ के सुनते हैं तो यही ये, ये जो बैठना है ये कभी आप उठ उठते हैं कभी बैठते हैं कभी टांगे ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं ये सारे फरिश्ते लिख रहे हैं ये सब फरिश्ते लिख रहे हैं क्या कभी किसी को तकलीफ हो जाती है मुझे भी बैठे मैं बैठी हूँ मुझे कभी को, कोई चीज तंग करती है मैं अपने साइड चेंज करती हूँ किस किस की वजह से किसके लिए अल्लाह की खातिर ना अल्लाह की खातिर बैठे हैं आपको कोई नंबर तो कोई कोई नहीं दे रहा कोई कह तो नहीं रहा कि तुम लोग जबरदस्ती यहाँ बैठो यहाँ बैठ के ही सुनो लेकिन अल्लाह तला जान रहे है ना तो ये वो ये कौन क्या कहा करता था इस जमाने में मुश्किन मक्का कहते थे कफार कहते थे और आज के मुसलमान भी यही कहते हैं कि कुरान सुनने से मना करते हैं वो कहते हैं कि तुम तुमको ये पढ़ पढ़ लोगे तो कौन क्या करोगे कोई डिग्री ले लो इसकी जगह जॉब तुम्हें कौन सी मिलेगी दुनिया में तुम्हें कौन कल ही मुझे किसी ने यहाँ पे पूछा कि, ना आप कितने पैसे लेती हैं इसके कुछ चीजें ऐसी जिंदगी में खुदा का वास्ता करें जो सिर्फ खालिश अल्लाह के लिए हो जिसका अल्लाह तला को आप आप अल्लाह की खातिर करते हो और जब कोई अल्लाह की खातिर काम करता है उसका तो कोई अजर दे ही नहीं सकता जब सारे पैगम्बर जितने अल्लाह के आए हुए पैगाम लेके आए और वो यही कहते थे कि हमारा अजर अल्लाह के पास है इसे वसल्लम लोगों पर आयात पढ़कर सुनाते थे तो उन आयात का दिलों पर एक्चुअली असर होता था तो उस बंदे को तो आप बुरा नहीं कहते ना कि लेके वो तो जो ला रहा है वो पढ़ रहा है वो बता रहा है तो मख, लोग समझते थे कि ये हमारा मुखालिफ है और इसको मेरी कोई बात पता चल गई लेकिन आपके मुखालफी इस चीज से डरते थे और लोगों को रोकते थे कि ये कुरान मत पढ़ो मत सुनो क्योंकि ये बला की तसीर कर देता है सिर्फ इतना ही नहीं करता बल्कि इंसान को चेंज कर देता है कैसे और, बकर, रदिया था जैसे ले आए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस्लाम ले आए कुरान सुनकर तो जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो शायद के इस तरह तुम गालेब आ जाओ तो इनके मनसूबा बंदी थी इसके साथ चोर तालियां पीटो ये किया करते थे आवाजें कसते शोर लगाते हंगामा क्रिएट करते और इन काफरों को हम सख्त का चका, मजा चखा कर रहेंगे, जो बदतरीन हरकत कर रहे हैं इनका पूरा पूरा बदला इन्हें दे दिया जाएगा वो दोजख है अल्लाह के दुश्मनों के बदले में मिलेगी उसमें हमेशा हमेशा के लिए इनके घर होगा ये है सजा इस जुर्म की वो हमारी आयात का इनकार कर रहे हैं वहां ये काफिर कहेंगे ऐ हमारे रब जरा हमें दिखा दे उन जिनों और इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हम इन्हें तले और डालेंगे, लेकिन उस वक्त क्या होगा? ताला की। वो जलील और तो आज गुस्सा लोग दिखाते इधर से चीजें फेंक उधर तोड़ ये कर जब लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इसमें साबित कदम रहे जितनी भी मुश्किल आई जो भी परेशानियां आई वो इन्हें खत इन्हें ही अल्लाह की खातर झीलते रहे उनके लिए अल्लाह तला कह रहे हैं त तनजल्ल का तुम यकिन इन पर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं इन फरिश्ते उतरते हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहजन खौफ ना करो गम ना करो फरिश्ते कहते हैं व अपशिर व अपशिल बिल जन्न लती कुन तुम, तुम तो वादू और खुश हो जाओ इस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है जन्नत की बिशारत से खुश हो जाओ फरिश्ते कह रहे हैं फरिश्तों को कितना हमारा गम है ना कि हम ना कहीं उधर चले जाए फरिश्ते ने देखा है ना उसको बनते हुए शैतान को जब वो ये देख रहे हैं वो तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर वो इस पर इस पर पर डट गए जम गए तो फिर हमें क्या करना है दुनिया कबर आखरत और फिर ईमान लाकर इन तीनों जगह पर अल्लाह ताला हमें बचा ले और फिर हमें इस्तकामत इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं इससे कहते हैं कि ना डरो और ना गमगैन हो इस जन्नत की खुश, खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे कभी समझा ही नहीं हमने हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी वहां तुम्हारे तुम्हारा जी जी चाहेगा तुम्हें तुम्हें मिलेगा जो जो तुम्हारा वहां जी चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा और जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारा होगा ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से ये दावत है ये बड़ी मेहरबानी होगी नुजुलम में मेरे गफूर रहीम ये अल्लाह ताला की जैसे नुजुलम देती है मेहमानी मेहमानी होगी उस दिन उनकी उन उनकी दावत की जाएगी अल्लाह ताला, ताला ये फरमा रहे हैं कि आज तुम्हारी तुम्हारी खातर है वमन अहसनो कौलम मिमंदा इल्लाही व अमिला सोलिहा वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन और इस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किए और कहा कि मैं अल्लाह का अल्लाह का फरमा बरदार हूं मैं मुस्लिम हूं इससे ज्यादा और अच्छी दाव खुद अमल करेंगे तो फिर लोगों को बुलाएंगे कोई खुद का अमल अच्छा करेंगे तो यह भी एक तबलीग का जरिया बन जाएगा तो बात यह कि खुद अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वला हसना वला सयाह ए ए सलम, इनसे कहिए और बदी कभी बराबर नहीं हो सकते आप बदी का ऐसी बात से दिफा कीजिए बुराई को अच्छी तरीके से जो अच्छी हो उससे अच्छाई से उसको दूर करें जिस शख्स को आप आपकी आपके साथ अदावत थी दुश्मनी थी वो आपका गहरा दोस्त बन गया आया नंबर थर्टी फोर है वब्बई बई ना हो इसका मतलब है, दुश्मन भी है और जो नेकी तो जो अच्छा कर रहा है उसके साथ तो हम करते ही हैं एहसान यहाँ पर साफ आया नंबर थर्टी फोर में कह दिया गया कि आप, आप उसके साथ भी अच्छाई करें और ये सिर्फ इन्हें इन्हें नसीब होती है ये कौन कर सकता है उसका भी बता दिया ये सिर्फ ये जो बात है ये आदत है अच्छी किसको नसीब होती है मगर इन लोगों को जो सबर करते हैं ये सिर्फ सिर्फ जो सब्र करते हैं और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर इन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं दिल चाहता है ना नसीबे वाला हो इंसान हाईली सक्सेसफुल किस्मत अच्छी हो जाए हमारी तो ये ये फार्मूले हैं खैर और भलाई से बुराई को भी दूर करना है कड़वाहट कड़वा घूंट पी जाना अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना अपनी झुंझलाहट अपनी बेचैनी अपने डिप्रेशन को दबा देना सबर करना है और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो अल्लाह की पनाह मांग लो शैतान आए ज्यादा करे तुम्हारे पे आके तुम्हें बेवकूफ बनाए तुम उसकी बातों में मत आओ वो सब कुछ सुनता और जानता है अल्लाह जानता है अल्लाह की निशानियों में से ये रात और दिन और सूरज और चांद चांद और सितारे चांद सॉरी सूरज सूरज चांद चांद और फिर सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है अगर फिलवाके तुम इसकी इबादत करते हो यानी के अल्लाह की निशानियां रात दिन सूरज और चांद हैं, और इनकी इबादत नहीं करनी है ये तो खुद अल्लाह की सजदा कर रहे हैं लेकिन अगर ये गरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहते रहते हैं तो फिर परवाह नहीं जो फरिश्ते तेरे रब के मुकरब हैं वो शबो रोज इनकी तस्बी कर रहे हैं या अल्लाह को परवाह नहीं अगर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते और वो कभी थकते ही नहीं फरिश्ते कभी नहीं सकते सुबह अल्लाह हम तस्बी करते हैं, सो जाते हैं कर थक जाते हैं और फिर ये तो तस्बी करके थकते भी नहीं अल्लाह को हमारी तस्बी की जरूरत नहीं है आया नंबर थर्टी नाइन में अल्लाह तला कह रहे हैं कि और अल्लाह की निशानियों में से ये है कि तुम देखते हो कि जमीन सूनी पड़ी हुई है फिर हम इस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आती है और फूल जाती है और जिसने ज़मीन को जिंदा जिंदा किया वो यकीन मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है क्योंकि वो हर चीज पर कादर है बिला शुभ जो लोग हमारी आयात से गलत गलत मफूम निकालते हैं मीनिंग गलत निकालते हैं वो हमसे मख् नहीं है छुपे नहीं हुए भले भला वो शख्स जो जहनों में डाला जाएगा वो बेहतर है या वो जो क्यामत के दिन अमन अमान में लेकर आया जाएगा तुम जो चाहते हो करो जो तुम करते हो अल्लाह इसे खूब देख रहा है ये वो लोग हैं कि जब इनके पास जिक्र आया तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया हालांकि ये एक जबरदस्त किताब है क्या कुरान कुरान एक जबरदस्त किताब कही गई और इसका सिलसिला आपको पता ही है इसके कैसे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है और जिसमें बातिल ना आगे से रा पा सकता है और ना पीछे से ये हिकमत वाले और, और तंजील मिनहम हमीद के ये नाजिल करदा है अल्लाह की तरफ से जो जो हिकमत वाला है और हमीद और अपनी कर हमीद है खुद से तारीफ किया गया अल्लाह ताला साफ इसके बारे में इस ता, इस कुरान की तारीफ कर रहे हैं कि हमारी आंखों पे पट्टी बंदी है हमें नहीं पता अल्लाह ताला में फरमा कि बातिल ना सामने से आ सकता है ना इसके नीचे से और ये एक हकीम और हमीद हस्ती की नाजिल करदा है अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयात खोल कर बयान की गई क्या अजीब बात है कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी इनसे कहिए ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हदायत और शिफा है मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है उनको हा उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो तो कुरान शिफा है हर लिहाज से मुकम्मल शिफा है। दुनिया आखरत की दिलों की जिस्मों की अगर हम सच्चे दिल से इसके इसको शिफा करके पढ़ें अल्लाह ताला हमें शिफा देता है वलकद आतना मूसा इससे पहले हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी थी इसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ था कि अगर तेरे रब ने पहले से ही एक बात तय ना कर दी होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला हो चुका था और हकीकत यह है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इस तरह अंगेज शक में पड़े हुए हैं जो कोई नेक कमल करे आखिरी बात इस पारे की के मन आमिलान जो कोई नेक कमल करेगा किसके लिए लिनफसी अपने ही लिए अच्छा करेगा और जो कोई बदी करेगा इसका वबाल उसी पर होगा और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है इसलिए अल्लाह सुबहान तला ने हमें जो कुछ दिया है जो हमारी भलाई के लिए दिया है अगर उसने हमें इस चीज का हकम दिया है कि हम इसकी इबादत करें तो इसको इससे सिर्फ कोई फायदा नहीं ये दरअसल हमारे ही फायदे की चीज है अगर इससे हमको ये हुक्म दिया गया कि दूसरों तक अल्लाह की बात पहुंचाएं तो इसमें से इसका कोई फायदा नहीं ये हमें ही फायदा है रसूल अल्लाह व्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह तला तेरे जरिए किसी एक शख्स को भी हदायत दे दे तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है और सुर्ख ऊंट कितने महंगे हैं पहले तो नायाब है ही नहीं और अगर वो कितने महंगे हैं तो आज कल ऊँटों की प्राइस आप नेट पे सब कुछ सर्च कर सकते हैं प्राइस सर्च करके खुद ही अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे शैतान से वसवसे की आज दुआ क्या हमें शैतान अपने वसवसों से बचा ले क्योंकि तो अगर इंसान के दिल में इस इबादत का काम और इस अमल की तरफ से शैतान वसवसा डाले तो फिर क्या करें फौरन दुआ मांग लें तो इस दुआ के साथ आज मुकम्मल करते हैं आऊँ जो बिल्लाही मिनस शैतान रजीम आऊँ जो बिल्लाही मिनस शैतान रजीम आऊँ जो बिल्लाही मिनस शैतान रजीम आऊँ जो बिल्लाही समी उल लालिम आऊँ जो बिल्लाही समी उल लालिम आऊँ जो रजीम أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله لا طلاق <applause> हमको शैतान के शर से बचाए अल्लाह ताला से वो से बचाए अल्लाह ताला हमसे कुरान की खिदमत करवा ले अल्लाह ताला हमें कुरान को सादक और इसको साबित करने वाला अपने अमलों से बता दे बना दे अल्लाह ताला हिफ्स की तोफ़ी तरमा अल्लाह ताला उन सब तरीक़ों की तोफ़ी ता फ़रमा जो हमें क़ुरान की खिदमत कर सकें अल्लाह ताली हमने कुरान को छोड़ा हुआ था अल्लाह ताली इसको हमारा साथी बना दे या अल्लाह हमें सिखला दे allah allah, जो नहीं आता या अल्लाह हमें जो तजवीद नहीं आती तजवीद सिखा दे अल्लाह ताला जो हमें फ़हम नहीं आता अल्लाह उसको फ़ेहम सिखा दे अल्लाह ताला हमें इसके अल्फाज नहीं पढ़ने आते अल्लाह ताला वो सिखा दे अल्लाह ताला हम तो बिल्कुल जाहिल हैं अल्लाह ताला हम बिल्कुल नकम्मे हैं अल्लाह ताला हमें वो कुछ सिखा दे जो ऐसा जिससे तू राजी हो जाए और जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए पारक अल्लाफी जजाक अल्लाह खैर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें अल्लाह त मांगें कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में अल्लाह ताला क़ुरान जारी कर दे हमारे नस्लों में हाफ़ कुरान हो अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुबह न्मा वबी हमदीका इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अतबूलई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जजाक